चलिए रेडी है, निकाल लीजिए कॉपी फटाफट। एटलस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा एशिया में हो सकता है लंबा टाइम लग जाए मे बी, ठीक है ना। एशिया अपने आप में बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है, सो एकदम मजे से इसको कवर करेंगे। अच्छा सोच के देखिए, अगर इनके फर्स्ट क्लास जब मैपिंग का हो रहा था तो मैपिंग क्लास में अधिकतर लगता है कि क्या ही चल रहा है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा 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 धीरे 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 अजीब लगता है, उसके बाद इतना फैमिलियर अप हो जाएंगे कि उसका सारा सब्जेक्ट मजा आने लगेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग एशिया को शुभारंभ करते हैं। पेज नंबर क्या है एशिया का बताइए जरा देखकर। 70। अब सर उसमें आप जो जो मैं पढ़ाया हूं पहले एक बार मैं पूरा उसको रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर एशिया पे आऊंगा, क्लियर है। तो भैया ओपन करने का तरीका आपको पता ही है, कंटेंट पे जाइए ओपन कर लीजिए पेज नंबर देख के, बात खत्म। इस पे आएंगे और यहाँ से कहानी शुरुआत करेंगे, क्लियर है। थोड़ा बहुत नाश्ता करके तो आई होंगे ना आप लोग, सामने कभी कभी बिना नाश्ता का गुस्सा भी आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब आप ठीक हो तो बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। नहीं है तो भुजा मंगा देंगे, भुजा खाते रहिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भुजा में खाने से नींद नहीं आता है, ठीक है, तो फायदा होता है। सबसे पहला तो याद करिए टोटल, जो मैं बेसिक्स एक बार और फटाफट रिपीट कर देता हूँ तेजी में। कॉन्टिनेंट कौन सा था, टेक्निक 4A+ ई नासा याद रहेगा। टोटल ओशंस कितना हो गए थे, 5। अटलांटिक का शेप क्या है बताइए जरा, एस। अटलांटिक का शेप क्या हो गया, एस। उसके बाद ए इंडियन ओशन, सनी देओल ओशन। तो इंडिया का जो ये निचला वाला पेनिनसुला है इसके चलते इंडिया का शेप जो है एम हो जाता, सॉरी इंडियन ओशन का शेप क्या हो जाता है, एम। मैंने बोला था पैसिफिक ओशन के लिए, तो पैसिफिक ओशन आधा इधर है आधा इधर है, जब उस 3D को मिलाएंगे तो वो शेप बन जाएगा पैसिफिक ओशन। उसके ऊपर की बात करें आर्कटिक, तो ये पूरा आर्क शेप का है आर्क। और उसके बाद है लास्ट में सदर्न ओशन जो कि सादा है जिसका कोई शेप नहीं है। तो टोटल ओशन 5 हो गए, कॉन्टिनेंट 7 हो गए। और इस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग क्या क्या देखें, ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद अब हमने देखा यूरोप जो लेटेस्ट खत्म किया, क्लियर है। अब हमारा गाड़ी जो है, मैं चाह रहा था कि पहले ऑस्ट्रेलिया निपटा लूं, लेकिन जो टफ चीज है उसको पहले निकालेंगे तो ज्यादा और मजा आएगा। तो पहले एशिया को पूरा का पूरा खत्म करते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है। तो पहला एकदम फ्रेश सेटिंग डाल लीजिएगा, एशिया पॉलिटिकल मैप, एशिया पॉलिटिकल मैप, और उसको यूं हॉरिजॉन्टल ओपन करके रख लीजिएगा तो आपको काम आसान हो जाएगा। तो एशिया पॉलिटिकल ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और इसमें चीजें जो है धनाधन काम आसान कर लेंगे, क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि पहले इसको ना 4 भागों में बांटना है, मतलब इसको ना एकदम काटेंगे और पूरा पीसेस बाय पीसेस में इसको पूरा का पूरा इस तरह से काटेंगे कि जो इसका दिमाग है वो मस्त हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा और प्लीज समझना, इसमें जरूरी थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपका तो थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला अगर मान के चलो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझना कि मैं एक सर्कल बना रहा हूं और ये एशिया है और इसको मैं ऐसे यू डिवाइड कर रहा हूं, क्लियर है। तो ये अगर इसको ऐसे डिवाइड करो तो जो डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो सर ये वाला क्या हो जाएगा, क्या इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट, आसानी है ये तो। ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा आपका क्या साउथ वेस्ट, क्लियर है। अब इसी को इसी पे रख कर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको काटू तो प्लीज मेरी तरफ ध्यान से देखना, ये काटा पूरा काटा तो इधर साइड में देखना एक आपको मिलेगा जगह जो कि आपको बड़े अक्षर में लिखा होगा यहाँ इंडोनेशिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम काट रहे हैं तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया लिख रहा हूं इसको ब्रैकेट में इंडोनेशिया लिख रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए, और भी कंट्री आएंगे लिटरली समझने के लिए। जरा देखना एक यहां पे मिलेगा आपको जापान, मिल रहा है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जहां लिख रहा हूं वहां पे मैं जापान लिख रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जापान। और इसी जापान के बगल में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी आपको दिख जाएगा, क्लियर है। अब उसके थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको रशिया कजाकिस्तान सॉरी रशिया मंगोलिया वगैरह थोड़ा पार्ट दिख रहा होगा। तो नॉर्थ के अंदर हम रशिया और उसकी पार्ट थोड़ी सी हिस्सा जो बची हुई है उसको यहां पे क्लियर कर लेंगे, क्लियर। अब उसके बाद इधर साइड आइएगा, फिर जो हम अगर वेस्ट एशिया की बात करते हैं इधर, दिस वन इज वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में क्या हम, इसमें ध्यान से देखना, ये सऊदी अरबिया यहां पे आपको मिलेगा,
यमन, ओमान, ईरान, ये सारा का सारा हम इसको वेस्ट एशिया में कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया एंड ईरान मैं एक ट्रेडमार्क दे रहा हूं, एक सिंबल दे रहा हूं, क्लियर है। और उसके बाद अब जो आपका ये वाला पार्ट है, यहां ध्यान से देखना, कजाकिस्तान जहां पे दिख रहा होगा, ये केकेटीटीयू के पार्ट को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए तो ऐड कर रहे हैं, इसको हम जो बोल रहे हैं दैट इज सेंट्रल एशिया। तो फॉर एग्जांपल हमने इस वाले हिस्से को, जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है आपका, इस वाले हिस्से में हम इसको सेंट्रल एशिया को रख रहे हैं और इसमें हम कजाकिस्तान को अभी के लिए लिख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम कवर करें तो ये पार्ट हमारा कवर अप हो गया है, ध्यान से देखना, फिर ये पार्ट कवर अप, इधर का हिस्सा हमने कवर अप किया है, ध्यान से प्लीज समझिएगा। और अब जरा इसमें देखिएगा, जो वेस्ट एशिया की बात करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से में देखिएगा तो आपको वहां पर मिलेगा टर्की, दिख रहा है क्या, टर्की वाला पार्ट। और अब आते हैं साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में हम अपना पहले इंडिया रख लेंगे, इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, ये सारा कंट्री देख लेंगे। तो आपको कॉपी पे पहले क्या करना है वो मैं बता दूं, क्योंकि सारा काम वहीं पे होगा। तो पहले सिंपल रफ में एशिया लिखेंगे फटाफट, बीच में इसको डायरेक्शन वाइज क्विकली जितना तेजी में हो सके, ये साउथ ईस्ट लिखकर इंडोनेशिया लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट लिखकर जापान लिखेंगे। ये तेजी में एक बार लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बार दिमाग में चला गया, उसके बाद अपना और काम जो है हो गया, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगा ही नहीं, उसके बाद चीजें हो जाएंगी बहुत आसान, खटाखट उसको जो है निपटा लेना है। मैं पहले आज क्या करूंगा, आज मैं पूरे कंट्री का ट्रीक बताऊंगा और तब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से गाड़ी शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो पहले पूरा ट्रिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर काम आगे बढ़ा लेंगे। पहले बना लीजिएगा फटाफट, क्योंकि नेसेसरी पड़ेगा इसका, क्लियर है। अगर मैं इसको अगर हटाता हूं तो हटाने के बाद सबसे कमाल की जो चीज दिखेगी आपको वो थोड़ा देखना है। इस पूरे एटलस में मैं एक एक बार आपको चीजें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, इसमें ज्यादा ट्रिक तो नहीं, लेकिन ये वाला हिस्सा जो यहां पर आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर जरा देखना गौर से, क्या आपको थाईलैंड दिख रहा है? पक्का दिख रहा होगा, उसी के आसपास, थाईलैंड के आसपास आपको नीचे सिंगापुर वगैरह दिख रहा होगा, जस्ट उसके सिंगापुर एकदम लटका हुआ है बिल्कुल, जब आएंगे नीचे तो आपको मिलेगा सिंगापुर। मिला 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 नहीं मिला, मिल गया पक्का। तो सर वो जो मलेशिया मिल रहा है ना, उसके जस्ट नीचे सिंगापुर मिलेगा आपको, क्लियर है। मेरी बात बस समझना, अभी बस लिखना मत, बस एक बार सुन लो, उसके बाद फिर आराम से काम कर लेंगे एकदम। पहले ट्रिक समझ लो, चमका दो दिमाग में। तो पहले ये पूरा हिस्सा अपन देखेंगे, उसके बाद ये हिस्सा देखेंगे, मेरी बात समझना, और तब इस हिस्से पे आएंगे सेंट्रल एशिया पे, और तब आएंगे वेस्ट एशिया पे। अब दो मिनट रुकिएगा, मेन जो भीड़ होता है ना, जहां भीड़ हमारा है, उस भीड़ को पहले आसान करेंगे। तो आसान करने के लिए जो सेंट्रल एशिया जहां दिख रहा है, मैं वहां पे एक टेक्निक लिख रहा हूं, प्लीज अभी टेक्निक पे ध्यान देना, एक बार हो गया तो काम हो गया। मैं लिख रहा हूं केकेटीटीयू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे उसका सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें के फॉर कजाकिस्तान दिख रहा है, मैं काम करता हूं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लिखता हूं ताकि मेरे पास स्पेस बच जाएगा। तो केकेटीटीयू मैं ऐसे कर रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पे के फॉर कजाकिस्तान, ठीक है, के फॉर किर्गिस्तान, ये रटना भी नहीं है, सब याद रहेगा, एकदम लोड नहीं लेना है, सब याद हो जाएगा। फिर टी फॉर ताजिकिस्तान, उसके बाद टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, एंड उसके बाद यू फॉर उज्बेकिस्तान। तो ये जो है ये कुछ याद नहीं रखना, बल्कि आपको याद रखना है केकेटीटीयू, क्लियर है। क्या अलर्ट हो, दिमाग शांत है ना, ठीक है। तो सर दिमाग शांत रखिएगा, ये जो केकेटीटीयू मैंने बोला है, इसमें थोड़ा दूर से थोड़ा आराम से समझने की कोशिश प्लीज करेंगे। अगर आपको रटना नहीं है, प्लीज ध्यान से देखना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। हम अभी सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं कि एशिया को याद रखने के लिए सारा ट्रिक, उसके बाद वन बाय वन लिखवाना शुरू करेंगे साउथ ईस्ट एशिया से। इसमें जरा ध्यान से गौर करना, जहां कजाकिस्तान लिखा हुआ है उसकी राजधानी देखकर मुझे बताइए तो क्या है, क्या लिखा हुआ है, अस्ताना लिखा होगा, अस्ताना, वो जो है अस्ताना। अब ध्यान से समझना, कजाकिस्तान अपने आप में बहुत अलग लेवल का कांड करता है, कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान, ध्यान से समझना, अस्ताना चेंज हो गया। अभी मेरी बात समझना बस, जब इस पे आऊंगा तो और डिटेल में आपको बता दूंगा। कजाकिस्तान का किर्गिस्तान, सॉरी आपका नूर सुल्तान, किर्गिस्तान दिख रहा है वहां से, और इसका राजधानी है, केक काटेंगे 20 केक, कितना केक काटेंगे तो 20 केक, तो किर्गिस्तान की राजधानी कहा, 20 केक, क्लियर है, केक काटेंगे कितना, 20।
उसके बाद है ताजिकिस्तान, तो ताज पे दुश्मन आक्रमण करेगा, दुशानवे, ताज पे दुश्मन आक्रमण किया, क्या हो गया, दुशानवे। क्लियर है, ये चीज दिमाग में रखोगे तो होगा, नहीं तो सर बहुत ऐसे कंट्री का नाम है ना, इतना अस्थान अस्थान है कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो लॉजिक बोल रहे हैं केक काटेंगे कहा, किर्गिस्तान में, कितना केक, 20 केक, तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो गया, 20 केक। उसके बाद बोला ताज पे दुश्मन आक्रमण, तो क्या हो गया, दुशानवे। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान, ध्यान से समझना, तुर्क, और तुर्क लोग आते थे अश्व से, गदा से नहीं, अश्व से, अश्व मतलब घोड़ा, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो गया अश्गावत। तुर्क मतलब क्या हो गया, अश्व, तो तुर्कमेनिस्तान क्या हो गया, अश्गावत। क्लियर है, उसके बाद नीचे आएंगे उज्बेकिस्तान, और उसका राजधानी है ताशकंद। ताशकंद अपने आप में शब्द सुना हुआ है, ताशकंद अपने आप में बहुत चर्चित है, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर सारा कांड इतना चर्चित है कि ऑटोमेटिक दिमाग में आपके आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो जहां ट्रिक है उसको फिर से एक बार बस बोल रहा हूं, उसको आराम से समझ लेना है। अभी जो मैंने बताया किसका बताया, केकेटीटीयू, सेंट्रल एशिया का, और इसमें आप देखेंगे तो केकेटीटीयू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा है, और याद करो मैंने बोला था इस दुनिया में मात्र दो ऐसे कंट्री हैं जो डबल लैंडलॉक हैं, एक था लिंचेस्टीन जो कहां पर आया था, यूरोप में, और दूसरा कौन सा है, उज्बेकिस्तान, जो मैं वहां बोला था एशिया में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो दिमाग में रख लेना है। तो अभी फिर से मैं बोल रहा हूं अंतिम बार, इस एशिया को चार पार्ट में हमने डिवाइड किया, हमने पहले साउथ ईस्ट एशिया का पूरा कवर करना है, फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया को कवर करेंगे, उसके बाद साउथ सॉरी सेंट्रल एशिया का पार्ट पूरा खत्म करेंगे, देन वेस्ट एशिया का पार्ट खत्म करेंगे। अभी जो मैंने बताया वो इस भीड़ को इकट्ठा से हटाने के लिए थोड़ा सा टेक्निक बता दिया, बात खत्म, यहां तक क्लियर है। अब वन बाय वन खिचड़ी की तरह से फिर पूरा का पूरा लपेट देंगे काम। तो मैं आपसे दरवाजा से करूंगा कि जो आपको बताया जो ट्रिक वही ट्रिक काम आया, देखो अल्टीमेटली मैं इसमें जितना भी लिखा हूंगा ना, और कुछ समय के बाद आपको, बहुत समय के बाद उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो एक मिनट लगेगा याद करने में, लेकिन अगर ट्रिक आपके पास नॉर्मली है, मैं आपको बता रहा हूँ चलते फिरते, गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी चलाते समय कोई गाड़ी का आगे नंबर कोलकाता का मिल गया तो इंडिया का मैप याद आ जाएगा, अगर आपको कुछ और देखना का मिल गया तो आपको पूरा पूरा मैप याद आ जाएगा साउथ अफ्रीका और इसका। ये खासियत है पढ़ते पढ़ते चलते चलते, आप मूवी भी देखोगे ना, जैसे बोलेगा उसमें मूवी में कि भैया उरुंडी में ये कांड हुआ है, रवांडा में हुआ है, नामीबिया में, तो आपका दिमाग खटाखट मैप पे चला जाएगा। तो पढ़ने का मजा तब आता है जब मूवी में भी आप अपना जो है जनरल फैक्ट्स ढूंढना शुरू कर दें, तो काम आसान है। अब ये नहीं कि अपना भी दिमाग खराब कर दे दूसरा भी कर दे, बट पॉइंट ये है कि कंट्री अब आपको दिखेगा। तो सर इसीलिए पहला हेडिंग डालिए साउथ ईस्ट एशिया, हम पहले साउथ ईस्ट एशिया को पूरा का पूरा कवर अप करेंगे, देन हम लोग फर्दर फिर बढ़ते चले जाएंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा एरिया, जो इंडोनेशिया वाला मेन हिस्सा है, तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया आपको दिख रहा है, हम ये हिस्सा पूरा इतना ये पूरा निपटाएंगे और देन हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्री है, और एक बात बता देता हूं आपको, ये साउथ ईस्ट एशिया आपको बहुत चीजों में क्वेश्चन पूछेगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन इतना है, और चूंकि ये डेवलपिंग नेशन है तो सारा चीज यही पे चल रहा है। अब यहां पे आपको देखना ध्यान से मिलेगा ताइवान, अब ये जो है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना चर्चा है इंडिया का, उसके साथ ऑलरेडी लिथियम के साथ कितना सारा सब था, सब अग्रीमेंट टूट टूट गया, अब उसके बाद फिर हाँ ताइवान के साथ अलग अलग, तो ये क्या है चाइना फिर उस पर हमला करने का, फिर ये फलना ठिकाना। अब बहुत लोग को क्या लगता है, चाइना जो है ताइवान को परेशान कर रहा है, लेकिन चाइना ताइवान को परेशान अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरा कांड है, चाइना जानता है कि ताइवान के पास लिथियम का भंडार इसके पास भी है, और दूसरा मैंने आपको लिथियम का भंडार साउथ अमेरिका में भी पढ़ाया था बोलीविया के पास, मेरी बात ध्यान से समझना, ताइवान के पास जितना भी जो बैटरी में लगता है लिथियम, ये सारा सप्लाई करता है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू कार हो, चाहे ऑडी हो, चाहे छोटा मोटा कार हो, चाहे बड़ा कार हो, अब ये पूरा वर्ल्ड वाइड को गाइड करता है ये, अब इसके साथ कोई भी देश जुड़ा हुआ है तो वो अपना इसका संबंध तोड़ना चाहेगा नहीं। अब चूंकि इंडिया के साथ संबंध बहुत अच्छा और बहुत लेवल पर बन गया था, तो चाइना जान इसके ताइवान को परेशान इसलिए नहीं कर रहा कि मजे लेंगे इसका, परेशान इसलिए कर रहा है कि सर बैटरी का सप्लाई या तो हमको दे, और नहीं तो फिर मेरा जो है गुस्सा और रूखा, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला होने वाला है, और जिसके पास लिथियम का भंडार होगा वो गर्दा उड़ाएगा। तो चाइना जो है उसको इस लेवल पर फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है कि ताइवान को कंट्रोल में अगर कर ली तो मामला आसान हो जाएगा, लेकिन अमेरिका है, अमेरिका कंट्रोल करने देगा नहीं, और ये चीज जो है चलता रहेगा। बट मेन लड़ाई किसी और चीज के लिए होता है, इसलिए मैंने बोला था पॉलिटिकल लड़ाई कुछ नहीं होता है, लड़ाई होता है दो चीज के लिए इस दुनिया में, एक रिसोर्स के लिए और एक लोकेशन के लिए, बस इसके अलावा और कोई लड़ाई दुनिया में नहीं होता, एक रिसोर्स एक लोकेशन, किस जगह पे जमीन चाहिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस जमीन के बगल में क्या है, क्या रिसोर्स है, कितना पैसा मिलेगा क्या। जैसे बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में,
लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की इन द सेंस की और कर्नाटका वगैरह में हार गई, उत्तर प्रदेश में जो है छोटे मोटे इलेक्शंस में जीत गई क्योंकि वहां पर उसको स्मार्ट सिटी का प्रपोजल में 5,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा। तो इसलिए रिसोर्स और दूसरा कौन सा चीज, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हेडिंग डालिएगा साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में मैं अगर चाहूंगा कि आपका दिमाग अलर्ट रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एशिया को निपटा लेंगे आज। हम निपटाने का मतलब ये नहीं कि बिना समझाए निपटाएंगे, आप अलर्ट पूरी तरीके से रहना, कॉन्शियस तो मजा आएगा, बॉडी हल्का रखना मजा आएगा। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए इसी बात पे, साउथ ईस्ट एशिया पूरा फ्रेश हेडिंग डालिएगा और उसमें पहला कंट्री लिखिएगा सबसे फर्स्ट इंडोनेशिया, धनाधन लिखिएगा। और इंडोनेशिया का राजधानी मुझे देखकर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इंडोनेशिया का राजधानी प्लीज बोलते रहिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। वहां पे जकार्ता आपको दिख रहा होगा, बट इंडोनेशिया की कहानी हाँ बहुत अलग अलग है। देखो इंडोनेशिया का पहले जो था वो जकार्ता था, जकार्ता डूबना शुरू हो गया। मैंने कल बताया था आपको कि अफ्रीका का हिस्सा जो है टूट के गिरने लगा, वैसे ही जकार्ता भी एक तरह से डूबने लगा। इसकी राजधानी थोड़ी सी चेंज की गई, और राजधानी चेंज कर कहां चली गई, तो सर जकार्ता से अलग लेवल पे अभी के प्रेजेंट समय का बस याद रखिएगा, वो है न्यू संतरा, जैसे न्यू संतरा बोलते हैं उसको। तो अभी के जो समय में इंडोनेशिया की राजधानी है वो क्या है, न्यू संतरा, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है जी। देखो इसकी राजधानी का अलग ही स्टोरी है। अब कभी हर कंट्री जब उसका जो कैपिटल है अगर वो मतलब उसमें मजा नहीं आए तो फिर साफ बेकार है। आपको याद नहीं दिल्ली उतर और दिल्ली फ्री नहीं हो। तो पहला राजधानी क्या था इसका, जकार्ता। जकार्ता से बीच में किया गया था ईस्ट कालीमंथन पे भी शिफ्ट, कि चलो ईस्ट कालीमंथन पे ले जाते हैं, लेकिन ईस्ट कालीमंथन पे भी बात जमा नहीं। देन फाइनली कहां पे भी लेके गया, न्यू संतरा। अभी फिर चर्चा ही चल रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी को फिर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अभी प्रेजेंट में क्या है, न्यू संतरा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इंडोनेशिया लिखिएगा, जकार्ता लिख के काटिएगा इसलिए, फिर उसके बाद ईस्ट कालीमंथन लिख के काटिएगा और तब न्यू संतरा लिखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी को इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि प्रेजेंट में क्या है, उसको इंटरेस्ट इस बात में है कि अभी कौन से ऐसे देश की राजधानी है जो ईस्ट कालीमंथन से चेंज होकर न्यू संतरा हो गई है। तो उसको पुराना और दोनों नाम का जिक्र कर देना है, इस वजह से जो है तीनों काट के आप अपने हिसाब से उसको रख लीजिएगा, क्योंकि मतलब क्या गजब का वो दिमाग लगाता है। ये नहीं पूछा कि सीधा डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि न्यू संतरा किसका है, क्या पूछ लिया ऐसा कौन सा देश है जिसका राजधानी कभी ईस्ट कालीमंथन हुआ करता था और अभी कुछ और, यानी कि दोनों चीज पूछ लिया। तो जिसको डिटेलिंग में पता होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद इंडोनेशिया लिख लिए पक्का। अब सर आपको लिखना कैसे आपको पता है, देखना ध्यान से। एक शब्द मैंने पढ़ाया था लैंडलॉक्ड, और लैंडलॉक्ड मैंने क्या बोला था, 5 ओशंस होते हैं। कोई भी ऐसा देश जो उस जगह से डायरेक्टली किसी महासागर में नहीं जा पाए, डायरेक्टली किसी ओशंस में नहीं जा पाए, और ओशंस कितने हैं, 5, समुद्र में जाए, कुएं में जाए, बाहर में जाए, जहां जाना है जाए, लेकिन कहां नहीं जाना है, महासागर में, ओशंस में नहीं जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर चैड की बात करते हैं तो चैड किसी भी ओशन में डायरेक्टली नहीं जा सकता है, मान के चलिए। मैं कभी समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर इसको इधर जाना हो तो किसी न किसी कंट्री का सहारा लेना पड़ेगा, इधर भी जाना हो इंडियन ओशन में, अटलांटिक में या फिर पैसिफिक किसी में भी। तो लॉजिक क्या है, चैड एक लैंडलॉक है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं इसके अलावा आर्किपेलागो, और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ध्यान से समझना, जो फैला हुआ है। इधर देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि पूरा इंडोनेशिया का ही आइलैंड्स है, अगर इसमें अलग अलग कंट्री भी है तो क्या हुआ, ये आइलैंड सबसे फैला हुआ है, मतलब उस पूरे कंट्री का छोटे छोटे आइलैंड्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक एरिया यहाँ, एक एरिया वहां, एक एरिया वहां। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कंट्री का, मान लो आपका जमीन है और आपका जमीन एक यहाँ पे है और दूसरा जमीन मान लो दिल्ली में है, इसको आर्किपेलागो नहीं बोलेंगे। उस एरिया में ही जमीन है, लेकिन वो जमीन क्या है, थोड़ा यहाँ है, फिर थोड़ा गैप करके थोड़ा वहां, थोड़ा ऐसे स्प्रेडेड है, समझ में आ रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो फैला हुआ है उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। इधर देखना, ये समझना बहुत नेसेसरी है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो इंडोनेशियन आर्किपेलागो। इधर देखिए, ये जापान दिख रहा है आपको, हाँ या ना, तो बोलो जापान में दिख रहा होगा तो जापान में रिस्पॉन्ड करते ना। जापान का भी देखो फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ, उसका भी आइलैंड फैला हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर आप बात करते हैं नीचे तो यहाँ पे फिलीपींस जहां दिख रहा होगा आपको, फिलीपींस के भी आइलैंड फैले हुए, तो क्या इसको आर्किपेलागो बोलेंगे, यस। लेकिन सर पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आर्किपेलागो किसी का है तो है इंडोनेशिया का। क्या मेरी पॉइंट समझ में आ रही है सर, यूपीएससी एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे के पूरे 11 बार पूछा है क्वेश्चन, प्लीज इसको माइंड में रखिएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पहला सब लिखिए आर्किपेलागो यहीं पे नोट करके, क्योंकि यहां से पूछता है, नोट करके लिखिए आर्किपेलागो और उसमें लिख लीजिएगा
ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये सब देखो बहुत आसान, उस समय भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत आसान करके मैं आपको बता दूंगा, आपको लगेगा भी चीजें बहुत आसान है क्योंकि मैं आसान कर दिया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आराम से दिमाग में और कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स इट। ग्रुप ऑफ आइलैंड स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और नीचे उसके लिखिएगा इंडोनेशियन आर्किपिलागो इज द लार्जेस्ट आर्किपिलागो इन द वर्ल्ड। इंडोनेशियन आर्किपेलागो इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। हो गया डन। अब मजा आएगा क्योंकि आर्किपेलागो और भी हैं, जापान को भी आर्किपेलागो है, फिलीपींस का भी आर्किपेलागो है, सब है, बट पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा हो गया, इंडोनेशियन आर्किपेलागो। यहां तक क्लियर है? डन। अब इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अब जहां इंडिया सॉरी जहां इंडोनेशिया दिख रहे हो उसका राजधानी लिखने के बाद आपको एक मिलेगा बड़ा सा आइलैंड सुमात्रा, मिल रहा है? अब आपको क्या करना है समझो, आप इंडोनेशिया लिख लिए हो, इंडोनेशिया के अंदर जो बोला था लिखने के लिए ए उसमें लिखिए सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड, और सुमात्रा के बाद जावा देखिएगा, सुमात्रा के बाद जावा, जावा पोल के पास मैंने लगाया था कार, हम सब लोग किए कि नहीं ध्यान दिया, एक बार देखिए तो है कि वहीं पे जो अपने पोल है, हाँ इसमें होगा टेबल पे, खाली अभी उसमें कुछ टिपिएगा नहीं, देख लीजिएगा बस खाली, पहले लिख लीजिएगा सुमात्रा, सुमात्रा, दूसरा उसके बाद जावा, मिल गया। अब थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि अब छोटे छोटे आइलैंड्स स्प्रेडेड है उसमें, तो थोड़ा दिमाग रखना है, बस सुमात्रा लिखना है, फिर बी में जावा, थोड़ा सा गैप छोड़ते रहिएगा। जिसका भी करंट अफेयर में अभी सुमात्रा न्यूज में था, अभी G20 का समिट फिर जावा और सुमात्रा के अंदर हुआ था, तो इस वजह से ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब अपडेट करना पड़ेगा तो फिर ऐसा नहीं है कि अपडेट करने के लिए फिर आप अलग से बनाएंगे, मेरे बात समझ में आ रही है? तो शायद सुमात्रा और जावा के बीच में एक स्पीसीज गैप होना चाहिए। देन मूव टू थर्ड, बोर्नियो, जब ध्यान से लिखिएगा सुमात्रा जावा देन बोर्नियो आइलैंड, गॉट इट? सुमात्रा जावा बोर्नियो डन। अभी रुक जाइएगा, बता रहा हूं, अभी इसको लिखिएगा, मैं बताता हूं, सुमात्रा जावा बोर्नियो अभी लिख लीजिएगा अलग से पहले। अब उसमें जहां पे आपको जो स्पेस दिख रहा है ध्यान से समझना, उसको ऑलरेडी इसी बोर्नियो पे, यहां ध्यान से समझिएगा, दिस इज द बोर्नियो आइलैंड जहां पे ईस्ट कालीमंथन लोकेटेड है, जो इसके पहले का कैपिटल था, किसका कैपिटल था, इंडोनेशिया का, तो ईस्ट कालीमंथन वहीं पे लोकेटेड है। अब वहां लोकेटेड है तो थोड़ा समझना आपको क्या है कि बोर्नियो को और इसमें दोनों में एक डिस्प्यूट चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मोतिहारी के अंदर कुछ जगहों को और कुछ नाम को लेकर बड़ा डिस्प्यूट चलता है। जैसे एक कोई स्पेस ले लो, बहुत सारे यहां मोतिहारी में तो बहुत सारे हैं मैंने देखा है, बट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इधर आप जाएंगे तो आपको छोटा बुढ़ियारपुर, चीनी मिल बोलिए या फिर कुछ बोलिए, अलग अलग उसके थोड़े से नाम है। एक और आपको जो है एक डोमवा चौक बोला जाता था, उस डोमवा चौक का नाम फिर चेंज करके दुर्गा चौक किया गया, फिर उसके बाद कुछ और किया गया। तो लॉजिक क्या है, बोर्नियो का एक क्लेम है कि आप हमको सुमात्रा में ही रखिए, इसलिए क्योंकि सुमात्रा एक पॉपुलर सिटी है और सारा का सारा बिजनेस और ट्रेड उसके अंदर होता है, तो हमारा उसमें अपना जो है काम आसान हो जाएगा, ये इसका कहना है बोर्नियो का। और सुमात्रा का कहना है कि सर हम रख लेंगे, बट वहां का जो लोकल पीपल है उनका कहना है कि हमारा वजूद और फिर लोग आएंगे तो हमारे लिए रिसोर्स का स्कार्सिटी हो जाएगा, तो ये थोड़ा चलता रहता है, बट आप जब भी पढ़ेंगे तो दोनों को अलग पढ़ेंगे, और डिस्प्यूटेड जब पूछे तो दिमाग में रखिएगा बोर्नियो वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ सुमात्रा बिकॉज उसका ट्रेड और उसका बिजनेस उसके नाम पे चल जाएगा। जैसे दिल्ली जानते हैं आप, और दिल्ली का एक जगह है नोएडा, जानते हैं आप, ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि नोएडा दिल्ली में है ही नहीं, नोएडा इज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, नोएडा पॉपुलर किस लिए होगा, बिकॉज ऑफ दिल्ली। अब हाँ जो है तो सर एनसीआर जैसे नेशनल कैपिटल रीजन बोल दिए, अब उसमें होता क्या है, दिल्ली कैसे बन गया, हरियाणा का कुछ क्षेत्र ले लिया, कुछ राजस्थान के ले लिया, कुछ यूपी का ले लिया, लेकिन ऑल द इंटायर एरिया इज रनिंग ड्यू टू दिल्ली। अगर दिल्ली का नाम, जैसे नोएडा में चलो भी बोलेगा दिल्ली रहते हैं जबकि बहुत दूर है, गाजियाबाद में भी ये बोलेगा दिल्ली रहते हैं, वो बोला भाई दिल्ली रहते हैं, कि जो फरीदाबाद में रहता है दे ऑलवेज से कि हाँ हम भी दिल्ली में रहते हैं, बट कभी जाओगे ना और उनके घर जाओगे तो पता चलेगा भाई दिल्ली में रह रहा कि गांव में रह रहा, वो आपको एहसास होगा। तो पॉइंट क्या है कि दिल्ली के नाम पे वो सारा बिजनेस रन कर जाता है, और नोएडा भी क्यों रन करता है, क्योंकि सर मैंने बोला था नोएडा जो है इसके पहले एक होता था एक जगह है ओखला दिल्ली में, तो वहां पे पुरानी मंडी चलती थी और सब्जी मंडी बड़ी पॉपुलर वहां थी,
तो वहां पे चूंकि सिटी के अंदर था और क्लीनिंग का पार्ट चल रहा था और दिल्ली को बेस्ट बनाना था, तो इस पुराने सब्जी मंडी को शिफ्ट कर बोला गया इसका फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब वो बोल दिया गया। तो लॉजिक क्या है कि सर अगर दिल्ली का नाम नहीं आता तो नोएडा कभी पॉपुलर ना होता ना, उससे नोएडा से ज्यादा अच्छे अच्छे जगह उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी नोएडा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बहुत गंदा एरिया है। खैर फिर भी आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, सबसे पहला सुमात्रा, दूसरा कौन सा जावा, थर्ड वन इज बॉर्नियो, और बॉर्नियो में पॉइंट ऐड करिए, ईस्ट कालीमंथन इज लोकेटेड हियर, ईस्ट कालीमंथन इज लोकेटेड हियर। दूसरा, इसके अलावा बॉर्नियो मिल गया होगा तो बॉर्नियो, अच्छा आपको एक सुलावेसी मिलेगा, सुलावेसी मिला, सुलावेसी का नाम सेलिबस भी है, तो उसको आप सेलिबस बोलिए, दोनों नाम लिख लेना क्योंकि यूपीएससी दोनों पूछता है, सेलिबस बोलिए या फिर सुलावेसी बोलिए, बोथ नेम आर सेम, या तो सेलिबस या सुलावेसी, दोनों नाम सेम है, तो दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, सेलिबस या फिर सुलावेसी, या तो सेलिबस या सुलावेसी, क्लियर है। पक्का थोड़ा तेज में बढ़ लूं भाई जान लो, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, बस आप अलर्ट रहना, आप अपने देखो बीच में एक मिनट का बस खाली, एक मिनट का खाली ज्ञान, ज्ञान सिर्फ एक मिनट का ही है कि दिमाग बस शांत रखना। मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है कृष्ण भगवान का और किसका, दुर्योधन का, दिमाग इस दुनिया में जो लगाता है वो ज्यादा होता ही नहीं है पॉपुलर में, ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जो स्टैटिक रहेगा उसका बहुत सक्सेसफुल होगा। इसलिए मैंने क्या बताया था, कहानी याद है आप लोगों, कृष्ण भगवान, एक कहानी कृष्ण भगवान के बारे में डिसीजन हो रहा था कि कृष्ण को कौन लेगा, दुर्योधन लेगा कि कौन लेगा, तो भैया डिसाइड करने के लिए बोला गया कि जो सबसे पहले कृष्ण भगवान सोए रहेंगे आ जाएगा, उसी से पूछा जाएगा, उधर हो जाएंगे। अब कृष्ण भगवान सोए गए थे, दुर्योधन पहले पहुंचा था 3 बजे, लेकिन बैठ गया माथा लगे, और अर्जुन जो है सामने बैठ गया, आया बाद में लेकिन बैठ गया। अब जो कोई आदमी उठा तो सामने दिख गए अर्जुन, बोले क्या मांगते हो अर्जुन, बोले नहीं नहीं चीटिंग है, दुर्योधन बोला पहले हम आए, तो पूछा गया तो अर्जुन बोल दिया भाई ठीक है तू आए, तो बोला क्या चाहिए, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। दुर्योधन दिमाग लगाया अकेले का हो, सिंपल सी बात है, देवल सेठ की हाँ इतना बड़ा वार में सेना का जरूरत पड़ता है, सेना ले लेंगे, दिमाग लगाया तो हंस हुआ। पॉइंट ये है कि दिमाग नहीं लगाइएगा, जो किसी पे एक बार हो गया तो बस आराम से उसको स्टडी करते रहिए, सक्सेस मिलता है 100%, क्या मतलब यही उसका दायित्व है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर आपको लगता है कि कभी आईएएस बनने वाला था या कभी एक्टर बनने वाला था, कभी नहीं, 12 साल उसी में रम गया, 12 साल में कचरे का भी इतिहास बदलता है, उसका भी बदल गया, बात खत्म। तो आप टिके रहिएगा एक स्टडी चीज पे तो होगा, नहीं क्या सवाल नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब जो मैंने बोला है ध्यान से सुनना, सुलावेसी बोला है, उसका नाम सेलिबस आइलैंड, दोनों सेम है, उसके आगे देखना एक बाली आइलैंड मिलेगा, मिल रहा है, प्लीज उसको लिखते जाइएगा, छोड़िएगा मत, लिखते जाइएगा बाली, बाली आइलैंड भी है जो G20 से रिलेशन है प्रभु, यहां पे भी G20 के अलावा बहुत सारे मीटिंग्स ऑलरेडी बाली पे हुए हुए हैं, अब सिर्फ आप नाम अभी लिखते जाना, डिटेलिंग बाद में करेंगे, हो गया। उसके बाद एक और आइलैंड अगर मिल जाए तो बताना, सुलावेसी के थोड़ा सा इधर उधर अगर देखोगे तो मिलेगा, और वो आइलैंड का नाम है रोटी आइलैंड, मिला, यस उसको लिख लिया जाए, रोटी आइलैंड हो गया, आ गए नेक्स्ट। अब छोटे छोटे और है, एक मिलेगा वहां पे आयरियन जया, जया बच्चन नहीं है, सबसे कोना में देखना, आयरियन जया मिल गया, एटलस के सबसे कोना में, इंडोनेशिया के सबसे कोना में, बड़ा वाला, थोड़ा सा बड़ा है वो इसीलिए हंसी आएगी थोड़ा सा, आयरियन जया लिख लिया जाए, आयरियन जया बस। और एक लास्ट आइलैंड है अरू आइलैंड, ARU, वहीं पे होगा अरू आइलैंड, बस इसको लिख लीजिएगा इंडोनेशिया के अंदर। अब इसमें बहुत से छोटे छोटे आइलैंड है, बट डोंट वरी, जितना बताया हो उतना जरूर काम करके रख लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप हेडिंग थोड़ा सा गैप छोड़ के डालेंगे, और वो हेडिंग जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गैप छोड़ के थाईलैंड, थोड़ा गैप छोड़ के, क्योंकि जरूरत पड़ेगा मुझे वापस से, कंजूस लोग रेडी रहिएगा, तो थोड़ा सा रेडी रखिएगा,
क्या लिखे, थाईलैंड। राजधानी तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको खुद लिख लेना है, और इसका राजधानी तो अधिकतर को याद रहता है, बैंकॉक। मिल गया। चलिए, कमाल की बात यह है कि जो थाईलैंड आप बनाए हैं, उस थाईलैंड को बनाने में एक चीज है, लैंडलॉक का हाथ है। तो ऐसे बनाकर थाईलैंड तो जरूर लिख लीजिएगा, और जहां भी जो कंट्री लैंडलॉक होगा उसके बाहर घेरा बना लीजिएगा कि कौन कौन सा उसको घेर रहा है। तो थोड़ा चीजें आसान पड़ेगा, क्योंकि ये थाईलैंड वो पोर्शन है जहां से यूपीएससी सूर्य नमस्कार हमेशा करता है, 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन सर 8 ईयर्स लगातार धनाधन, मतलब वो ऐसा पूछता है, कभी राजधानी का शेयर ही पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, मतलब वो उसका फेवरेट है कुछ एरिया, उसमें से एक एरिया ये वाला भी है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि हमेशा बिजिएस्ट एरिया है, बहुत बिजिएस्ट एरिया है। तो सर थाईलैंड अब उसको घेरिए, और थाईलैंड के साथ जो जो बॉर्डर शेयर कर रहा है जरा उसको निहारिए, तो कितने कंट्री उस पे डोरे डाले हुए हैं। तो ध्यान से देखोगे तो कितने कंट्री डोरे डाले हुए हैं, किससे टच कर रहा है, 3 से। अभी रुक जाना, थाईलैंड के बगल में एक और कंट्री मिलेगा, लाओस, दिख रहा है, लाओस लाओस लाओस, अरे बहुत छोटा सा है एकदम, सब उसको एकदम पचका दिया है, दिख रहा है, मेन कंट्री है लाओस जो लैंडलॉक्ड है। ध्यान से देखना, थाईलैंड इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री, ध्यान से देखो, लाओस इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो पहला आप अगर थाईलैंड बना लियो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि थाईलैंड कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो वो आप बना के रख लेना 3। बट आप अब नेक्स्ट बनाओ थाईलैंड थोड़ा सा गैप छोड़ के, वो बनाना लाओस, और लाओस के अंदर जो जो कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उसकी जिक्र मैं कर देता हूं, आपको दिख भी रहा होगा। तो सर यहां पे मैं एक बार और बना देता हूं, लाओस, और लाओस के ऊपर आपको मिलेगा चाइना, हरामखोर ऊपर में मिल जाएगा आपको, चाइना के जस्ट राइट साइड में आइएगा तो आपको वियतनाम मिल जाएगा, वियतनाम वियतनाम, उसके बाद आएंगे तो आपको आराम से सब दिख जाएगा। वियतनाम के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज कंबोडिया, कंबोडिया कंबोडिया, यहां थोड़ा सा कंबोडिया बना लेंगे, कंबोडिया, कंबोडिया के जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा थाईलैंड, थाईलैंड, और एक कंट्री और मिल जाएगा लाओस के साथ जो टच कर रहा है, दैट इज म्यांमार, म्यांमार। ये थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है इसीलिए इसको बनाना है। हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मजेदार चीज बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब की राजधानी के साथ बॉर्डर शेयरिंग पूछता है पहले, तो प्लीज समझना। तो जहां पे भी आप लिखे हो लाओस, ध्यान से समझना, जब आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो ऐसे लिख लेना, लाओस का है वियन तियन, वियन तियन। दूसरा, चाइना हरामखोर का याद रहता है, इसके लिए लोड नहीं लेना होता है, बीजिंग। वियतनाम हनोई, और हनोई का आपस में अपना भी एक इतिहास है, जहां पर चूहे को पकड़ने के लिए भी इनाम दिया जाता था, उसके बाद जितना चूहा पकड़ोगे उतना इनाम, बस उसका प्रूफ देने के लिए अंग्रेज लोग बोले थे उसका पूंछ लेके आना है, उसका क्या किया, एक एक को पूंछ रिहैबिलिटेट करके रिसाइकल करके लेते जाता था, क्योंकि बहुत हनोई सारा बहुत चूहे हो गए थे और अंग्रेज परेशान हो गए थे उनसे, तो इंडियन को ये टास्क दिया कि जो जितना चूहा मार के लाएगा उतना ज्यादा इनाम मिलेगा, समझ में आ रहा। फिर बाद में अंग्रेज भी पकड़ लिया। कंबोडिया, तो कंबोडिया में सिंपल याद रखिएगा, फोन पे जानते हैं, फोन पे हो जाएगा, फोन पे यानी कि नोम पे, फोन पे नोम पे, कंबोडिया, थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक, म्यांमार नेपिदा, म्यांमार नेपिदा, म्यांमार नेपिदा। तो पहले अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो बस मैं ये कर रहा हूं कि पहले इस भीड़ को निपटा रहा हूं, पहले ये भीड़ निपटा लो, उसके बाद इंडोनेशिया का मैंने निपटा लिया जानबूझ के, अब उसमें इसी में बीच बीच में जितने भी छोटे बच्चे हैं यहां तक उसको निपटा लेंगे पूरा आराम आराम से। तो सर पहला मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं, प्लीज बताना जरा मुझे, थाईलैंड कितने कंट्री को टच कर रहा है, 3 या 4? 3। ये दिमाग रखना, अगर ये याद नहीं भी रहे तो सर ये याद रखना है लाओस, क्योंकि सर इसमें जो पचका हुआ है ना वो, तो सर ऊपर में चाइना, एक वियतनाम, कंबोडिया, देन थाईलैंड, देन म्यांमार, नेपिदा, डन। अब तेजी में आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब वन बाय वन सभी कंट्री का नाम पहले लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कंट्री का नाम लिखिएगा लाओस, राजधानी के साथ वापस से लिखिएगा, और मैं चाहूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट लिखिएगा लाओस,
जैसे मैंने थाईलैंड का बनाया था ना तीन, थाईलैंड का बॉर्डर शेयरिंग ध्यान से देखिए आप एटलस में कितने कंट्री दिख रहे हैं, तीन की चार। तो आप जो ध्यान से अगर देखोगे जितने भी कंट्री से नीचे आकर वो टच कर रहा है तो पूरा कंट्री आपको तो इजीली वहां दिख ही रहा है। मलेशिया टच कर रहा है, मलेशिया के बगल में आप देखो उधर म्यांमार टच कर रहा है उसको, म्यांमार के बगल में लाओस टच कर रहा है, लाओस के बगल में कंबोडिया टच कर रहा है, वो मैंने आपको देखने के लिए बोला। अब तो अरे भैया तो हम नहीं, आप लोग जब देखे हो तो बोले हो, आप लोग ऑलरेडी जब मैं देखने के लिए बोला तो आपको तो एग्जैक्टली दिखना चाहिए, जब तीन बोलूं या चार बोलूं, मैं तो अभी देख नहीं रहा। तो जहां पे आप लिखे हैं थ्री वहां पे आप फोर लिख लो, उसको टच कर लो, बट जब मैं बोलूं देखने के लिए तो एटलीस्ट उसको आपको देखना है। फोर कंट्रीज नाम उसमें एबिलिटी लिख लो, दिमाग अलर्ट रखो, दिमाग अलर्ट रखो, जब बोलूं तो एटलीस्ट आप देख लो। नेक्स्ट उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आना, जो पहला लाओस बोला हूं बीएनपीएन, उसके बाद नेक्स्ट जाना लाओस के बाद, पहला लिखना लाओस के बाद चाइना, लाओस के बाद चाइना, थोड़ा अलर्ट रखिएगा दिमाग, दिमाग कहीं और मत लीजिए, जब बोलू देखने के लिए तो आप देखो भैया आप देखते रहोगे और उसके बाद बताते रहोगे। चाइना राजधानी तो आपको पता ही है बीजिंग। नेक्स्ट थोड़ा गैप छोड़ के, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे वियतनाम हनोई, वियतनाम हनोई, फिर से नेक्स्ट थोड़ा गैप छोड़िएगा कंबोडिया फोन पे नोम पे, कंबोडिया फोन पे नोम पे, डन डन, कंबोडिया फोन पे नोम पे। बैंकॉक, अब यहां से मजा आएगा, देन उसके बाद म्यांमार नेपिदा, इसको लिख के रख लो। इसमें से जितने भी कंट्री आपको दिख रहे हैं सारे कंट्री 2023 से 24 में बहुत ही न्यूज में थे। मैं जब मैं आयर पढ़ा रहा हूँ म्यांमार की कहानी जब बताऊंगा तो एंग सान सू की जो उनका जेल से निकलने का और ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके का सरकार वहां कन्वर्जन का बहुत ही वो भी लेटेस्ट न्यूज में है, तो इसीलिए ये सारा कंट्री आपके लिए काम का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद अब जरा ध्यान से थोड़ा देखना इसको, अब यहाँ पे हटाते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लगभग हमने इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा कवर किया और ये वाला कुछ हिस्सा कवर किया। अब उसके जस्ट थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ना मलेशिया मिलेगा, मलेशिया राजधानी इसका ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मलेशिया जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ध्यान से देखना, एक है ईस्ट मलेशिया और दूसरा है वेस्ट मलेशिया। क्वेश्चन देखो क्या पूछा था कि मलेशिया की राजधानी कौन से मलेशिया में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। पहली बात तो मलेशिया की राजधानी आपको क्वालालंपुर दिख रहा होगा, दिख रहा है भैया, हाँ 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 ना कुछ बोलते रहना तो मजा आते रहेगा, क्वालालंपुर दिख रहा है, डन। अब कौन से ईस्ट में दिख रहा है कि वेस्ट मलेशिया में दिख रहा है, वेस्ट मलेशिया में दिख रहा होगा, हाँ या ना, पक्का ध्यान से देखना उसके स्टार सिंबल को। तो पहले लिखो हेडिंग डालो पहले मलेशिया, और मलेशिया में यहाँ दो पार्ट ऐसे कर लेना, यहीं पे एरो बना लेना, ईस्ट मलेशिया एंड वेस्ट मलेशिया, ईस्ट एंड वेस्ट मलेशिया, ईस्ट एंड वेस्ट मलेशिया, एंड देन उसमें क्वालालंपुर को ऐड कर लेना, राजधानी पहले ही हो गया। ठीक है, और उसमें लिख लेना क्वालालंपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट मलेशिया, क्वालालंपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट मलेशिया, क्वालालंपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट मलेशिया, लिख लिए डन, क्वालालंपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट मलेशिया, हो गया। नेक्स्ट अब थोड़ा सा उसके जस्ट प्लीज अलर्ट रहना और हाथ तेजी में बढ़ाना, मलेशिया के जस्ट नीचे आना सिंगापुर मिलेगा, सो द नेक्स्ट हेडिंग सिंगापुर, और इसकी राजधानी बहुत हार्ड है, इस जन्म में याद हो जाए तो ठीक है, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, हो गया। नेक्स्ट कोशिश करते हैं खत्म करने का, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, जहां आपको सिंगापुर मिल गया है उसके बाद आपको यहां से अब काम जो है हमारा काम बढ़ने वाला है। बगल में देखिए
यहीं पर लिख लीजिए अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी न्यूज में है और ये बहुत बढ़िया से न्यूज में है, ठीक है। मोदी जी जाकर नमस्कार करके आए हैं तो बहुत कमाल का चीज है, मलेशिया के लिए भी हो रही है, ये आपको जानना नेसेसरी है। तो अंडमान एंड निकोबार इसकी बिल्कुल मत करिएगा अभी, फिलहाल के लिए उतना जान लीजिएगा अंडमान एंड निकोबार को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे थोड़ा सा, और एक जगह मिलेगा जिसको ध्यान से देखना है आपको, और वो कोई और जगह नहीं है बल्कि वो जगह है बंदर सेरी बेगावन, जिसकी राजधानी है, दिख रहा है बंदर सेरी बेगावन, आराम से दिखेगा बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई एक कंट्री है जहां ईस्ट मलेशिया आपको दिख रहा है, ईस्ट मलेशिया के अंदर में है एक नया देश जिस देश का नाम है ब्रुनेई, यहां पे देख लो ईस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया के अंदर मिलेगा ब्रुनेई, और ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, जो न्यूज में हमेशा रहता है मलेशिया को लेकर। तो पहले कंट्री का नाम लिखिएगा ब्रुनेई, बोर्नियो अलग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ब्रुनेई इज अ डिफरेंट कंट्री जिसका कोई लेना देना नहीं है इंडोनेशिया से। ब्रुनेई राजधानी क्या हो गया इसका, बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन, डन। ध्यान रखना ये पूछता है, अच्छा ये लैंडलॉक हुआ कि नहीं, अगर ध्यान से देखोगे ना तो पहले बात समझना मेरी बात, लैंडलॉक तो आपको जो है बिल्कुल वो किनारे पे है, वो अंदर जरूर है लेकिन वो किनारे पे है, इसलिए एक क्वेश्चन जब पूछे, क्योंकि बोर्नियो में और ब्रुनेई में थोड़ा सा बोलने में ना थोड़ा सा रहता है सिमिलैरिटी, तो वहां कंफ्यूज मत होना, ब्रुनेई डिफरेंट कंट्री है जिसका इंडोनेशिया से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज, वहां पे एक जगह मिलेगा सबा, एस ए बी एच मिल रहा है, ये ना उसका पार्ट नहीं है, मलेशिया के अंदर है, ध्यान से देखना, जो सबा दिख रहा है ये उसका पार्ट नहीं है बल्कि मलेशिया के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है क्या ध्यान से आपको, आप जहां पे मलेशिया लिखो उसमें सबा वाले बात को लिख लो, इसलिए क्योंकि जब से मलेशिया और इंडिया के बीच में थोड़ा सा हुआ है टकरार, उसके बाद से सबा वाला जो है वहां के लोगों ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया रहेगा तभी अपना होगा, इसलिए सबा न्यूज में आ गया। तो सबा मलेशिया के अंदर एक जगह लिख लीजिएगा, क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, अलर्ट रहिएगा, सबा। नेक्स्ट, अब उसमें आपको मिलेगा कमाल का एक और जगह, जरा ध्यान से देखना, एक जगह मिलेगा सारावाक, देखो तो सारावाक कहां मिल रहा है, मलेशिया मिल रहा है कि कहीं और मिल रहा है, मलेशिया में ही मिलेगा और ईस्ट मलेशिया का हिस्सा है ये दोनों जगह, सारावाक और दूसरा जगह इसके पहले मैंने आपको एक बोला था कौन सा जगह बताइए जरा, हाँ तो सबा, ये सबा और सारावाक ये दोनों जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को यहां से सपोर्ट मिलता आया है और लोग चाहते हैं कि इंडियन जो है मलेशिया के साथ मिलकर काम करे, जो मलेशिया चाइना के साथ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद अब एक और जगह है और वो जगह ना आपको बताना है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि स्ट्रेट क्या होता है, पढ़ाया था ना, और मैंने इस्थमस भी पढ़ाया था, एक जगह वहां मिलेगा इस्थमस ऑफ क्रा, मिल रहा है, यस इस्थमस ऑफ क्रा, आप ध्यान से अगर देखोगे तो म्यांमार का एरिया और थाईलैंड का एरिया दोनों मर्ज कर गया है उसमें, दिख रहा है ये, प्लीज उसको नोट डाउन करिए, वहीं पर नोट करके लिखिएगा इस्थमस ऑफ क्रा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लैंड कनेक्ट हो रहा है और पानी सेपरेट हो रहा है, दैट वाई हम लोग इसको इस्थमस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शब्द सारा बेसिक में क्लियर कर दूंगा आपको, बस मैं बोला ना कोई दिक्कत ही नहीं हो उसके बाद किताब पढ़ने में, इस्थमस ऑफ क्रा और क्या लिखिएगा, दैट इज लैंड कनेक्टेड बिटवीन, लैंड कनेक्टेड बिटवीन म्यांमार एंड थाईलैंड। मेरे से अगर कंट्री बोलते से मैं मिस हो जाए तो आप अपने मैप पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश तो कम करूंगा लेकिन भगवान है नहीं, गलती हो सकता है, तो आप जब मैं बोलूं, मान लो कभी म्यांमार के जगह पर मलेशिया बोल दिया तो आप एटलीस्ट देख जरूर लेना। इस्थमस ऑफ क्रा हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ना जो जो कंजूस लोग हैं रेडी रहिएगा थोड़ा, अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फिर हम वापस से आएंगे तो उसके बाद मजा आएगा। एक जगह मिलेगा जहां इंडोनेशिया हम पढ़ाए थे, वहां पर मिलेगा तिमोर लेस्ट, इंडोनेशिया जो पढ़ाया था उसमें मिलेगा तिमोर लेस्ट, या उसको हम ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, मिल रहा है,
और वो जो है ना वो एक अलग ही कंट्री अपने आप बोलता है कि इंडोनेशिया के अंदर हम हैं लेकिन हम ऑटोनोमस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच गुयाना मैंने पढ़ाया था, जो फ्रेंच का ही राज है उस पर, लेकिन वहां की राजधानी अलग है। अब जैसे ग्रीनलैंड पढ़ाया था मैंने, तो ग्रीनलैंड जो है, और आपको मैंने बोला था ये जो डेनमार्क का ही हिस्सा है लेकिन वो अलग है, स्वायत्त है और उसको सारा कुछ अपना अलग तरह से ऑपरेट करता है, बट हाँ अपना जो है प्यार और समर्पण सब उधर रखता है। तो कुछ वैसा ही ये है तिमोर ले, इसकी राजधानी है दिल्ली, नहीं बोलते हैं सब कहां गिरा लो, दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, तो सर तिमोर लेस्ट दिल्ली। और ये मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि स्टेट सर्विसेज बीपीएससी में ये पूछा था कि कौन से ऐसे देश की राजधानी है जिसका सिमिलैरिटीज है इंडिया के राजधानी से। अब बीपीएससी भैया देखो कुछ भी पूछ सकता है उसका भैया, मतलब ना आरा ना टेढ़ा। हालांकि अब उसका क्वेश्चन जब से नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया है उसके बाद से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछने लगे हैं, क्योंकि पूरा शिफ्टिंग यूपीएससी पे ले गया है। तो लगभग यूपीएससी का पिछले 10 साल का क्वेश्चन में अगर कोई बना के जाता है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, तो बीपीएससी का प्रीलिम्स ऐसे ही पार करा देगा एक्सेप्ट करंट अफेयर छोड़ के, बाकी वो पूरा एकदम मार देगा धनाधन, और उसमें चांसेस रहते हैं। ये यूपीएससी के लिए मैं नहीं बोल सकता, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। हाँ यूपीएससी में आपको उससे हेल्प जरूर हो जाएगा नो डाउट, बट बीपीएससी में मार के आ जाइएगा। तो लॉजिक क्या है, तिमोर लेस्ट राजधानी क्या है दिल्ली, पार्ट ऑफ इंडोनेशियन बट सेल्फ ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है। अब एक पॉइंट और, नेक्स्ट थोड़ा गैप छोड़ के फिलीपींस, दूसरा कंट्री फिलीपींस, राजधानी है मनीला, बनीला नहीं मनीला, फिलीपींस दैट इज मनीला, हो गया लिख लिए मिल गया सॉरी फिलीपींस मिल गया डन। फिलीपींस के अंदर एक और चीज आपको लिखना है और वो है लुजॉन, LUZON, लुजॉन, लुजॉन आइलैंड के नाम से बहुत फेमस है ये, मिल गया होगा बहुत बढ़िया मजा आएगा। अभी एक और देखना, फिलीपींस के अंदर मिलेगा मिंडानाओ, मिंडानाओ लिख लीजिएगा उसको, मनीला लुजॉन मिंडानाओ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और फिलीपींस के राइट में देखना यानी कि ईस्ट में देखना, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया दिख रहा है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये बेसिकली जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे भी आएगा ये थोड़ा हिस्सा, बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको समझ लेना है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, आप वहां पे सिर्फ लिख के रख लो और ब्रैकेट में लिखना एक फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में लिखना ईस्ट टू इंडिया, इंडिया के ईस्ट में, ये इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखवा रहा हूं जो कि इतना दूर है क्योंकि ये मैच द कॉलम में पूछा था और अधिकतर लोगों का फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया से इंडिया तक दिमाग नहीं जा रहा था ईस्ट और वेस्ट में, तो इसलिए हमें ऑरिजिन पॉइंट हमेशा इंडिया रखना है। और ऐसे भी जब मैं किसी कंट्री के बारे में बोलता हूं तो हम लोग ज्यादातर इंडिया से ही कंपेयर करके सोचते हैं, सीधी सी बात है। तो जब कभी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो इंडिया को मान लेना कि इंडिया में अगर ठंडी है तो यूरोप में क्या हो रहा होगा, फिर इंडिया में टाइम ये है तो कहीं और क्या रहा होगा, तो एक बेस मानते हैं और उस बेस से किसी को भी कंपेयर कर लेते हैं, बात खत्म है। तो पॉइंट लिखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला थोड़ा सा, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के बाद जरा ध्यान से देखना, एक जगह मिलेगा फिलीपींस के ऊपर ताइवान, और ताइवान में आपको उसकी राजधानी मिलेगी ताइपे, ताइवान राजधानी है ताइपे, ताइवान राजधानी है ताइपे, देखो जो अभी का मौसम होता है ना उस मौसम में बहुत चिड़चिड़ापन होता है, जो अभी का समय है वो चिड़चिड़ापन होता है बहुत, मैं बताऊं इसलिए आपका मूड स्विंग्स बहुत होगा और ये साइकोलॉजिकल है, ये कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है, अगर आपने अभी संभाल लिया तो फिर उसके बाद नहीं होगा, दो समय मूड स्विंग्स बहुत होगा, एक अभी और एक फिर अगस्त और सितंबर के समय, क्योंकि समय चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा और चेंजेस जल्दी, इंसान क्या है कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इंसान ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है कि जो एक चल रहा है चलने दो यार, समझ में आ रहा है। अभी क्या भयानक चेंज हो रहा होता है, नया नया पूरा सीजनल पूरा कन्वर्ट हो रहा होता है और वो इरिटेशन कर देता है, अभी कुछ है भी नहीं, कभी बारिश हो गया कभी आंधी तूफान, मेरे बोर्ड से किसी को कभी लग गया कभी कुछ हो गया, अब बताइए ऐसे ऐसे आदमी है कि भैया आंधी आया बोर्ड से किसी को लग गया तो करे हर जाना दीजिए, अब बताइए भाई साहब इसका क्या मतलब बोला जाए, मतलब बोर्ड जैसे कोई प्रचार के लिए एडवर्टीजमेंट बोर्ड रखा हुआ है रोड पे, समझ में आया, और मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं ये मेरे साथ हुआ जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे साथ हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्या होगा, आप सोचिए कि क्या अगर कोई आदमी अगर आकर बोल भी देता है कि आप हमको हर जाना दीजिए, तो आप उसका
सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए किस लेवल पे बात कर रहे हैं। समझ रहा है कि सर हम जा रहे हैं और कुछ भी अगर हो गया तो बिकॉज आपके बोर्ड से लगा है देन यू हैव टू पे। तो सोचिए कि अब बताइए कहीं से कोई लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बात तो होना ही नहीं चाहिए था। तो पॉइंट ये है कि चलिए इस तरीके का मौसम होता है तो अभी इरिटेशन होगा तो शांत रखिएगा और चिंता मत करिए, जब लगे तो 15-20 दिन छुट्टी ले लेना है। पढ़ाई से नहीं भैया, मतलब यहाँ रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है कि बस एक क्लास करना, जाके उसके बाद मूवी देखेंगे दबा के, सर बोले हैं मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक जो पढ़ाया हूँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी के लिए मैंने पढ़ाया था इंडिया 4 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट से हम लोग शुरुआत किए, इंडोनेशिया आर्किपेलागो सब क्लियर रहेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सुमात्रा जावा बाली ये सारा कुछ हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तिमोर लेस्ट वगैरह किया, आयरियन जाया किया, रोटी आइलैंड किया, ये सारा दिमाग में रख लेना है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़े, लाओस को बनाया, लाओस को घेरा, ऊपर में चाइना, बगल में क्या आपका वियतनाम, उसके नीचे आपको कंबोडिया, फिर थाईलैंड, देन उसके बाद उधर म्यांमार, फिर बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए, मलेशिया पढ़ा, कुआलालंपुर 2 पार्ट में है, ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया में उसकी राजधानी है शिफ्टेड, दिमाग में रख लेना है। एक नया कंट्री पड़ा ईस्ट मलेशिया के अंदर ब्रुनेई, जिसका राजधानी आपको क्या बने बताया था, बंदर सेरी बेगावन, फिर वहां से हम लोग शिफ्ट किए सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, फिर फिलीपींस पे आए मनीला, और फिलीपींस के आगे ऊपर गए ताइवान, क्लियर, ताइवान का राजधानी क्या है ताइपे, पहले यहां तक क्लियर है, प्लीज दिमाग में एक एक पॉइंट रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक मैंने फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया बताया था इंडिया के ईस्ट में, दिमाग में रखिएगा, मैच द कॉलम में काम आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे, अब जरा एक कंट्री ताइवान के ऊपर हम जाने से पहले पूरा का पूरा मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरे इस वाले हिस्से को ध्यान से देखना, यहां से ये पूरा हिस्सा को अंडमान से लेते हुए पूरे हिस्से को, इसलिए क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ भी जो है बचे। आपको इस्थमस ऑफ क्रा याद रखना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक, डन। अब हम एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा थोड़ा गैप छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट एशिया, थोड़ा गैप छोड़ के जो फेयर में लिख रहे होंगे, अच्छा तरीका है कि कोई आप अगर लूज सीट्स में लिखते हैं वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपसे अगर मैनेज हो जाए तो। जैसे मैं जनरली प्रेफर नहीं करता, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि मेरे को कॉपी मिल जाए, स्पाइरल मिल जाए, मैं उसी में लिखते चले जाऊं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कर पाता। कुछ लोग बहुत सारे क्रिएटिविटी, बहुत सारे एक्टिव होते हैं वो लोग, तो लोग अपना लूज शीट्स को बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ पर्सनालिटी, कुछ लोग होते हैं एकदम सिस्टमेटिक करते हैं, कुछ लोग रूम पे जाओगे तो लूज जूता कहीं और फेंका है, टाई कहीं और फेंका है, हालांकि ये तो जो लॉन्डे है इनका आदत रहता है जनरली, लेकिन जो सिस्टर्स हैं और वो लोग जो रहते हैं उनको प्रॉपर उनको चाहिए थोड़ा भी, तो कष्ट गरी आएंगे उसके बाद। भाई लोग का इसलिए तवाही ज्यादा होता है क्योंकि सामान ठीक से रखता नहीं है और फिर चिल्लाएगा उसी पे, इसलिए उससे पहले भौकाल हो जाता है। तो जब आप लूज सीट्स पे कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अपडेट करना आसान है, और अगर आप आराम से स्टैटिक कर ले रहे हैं तो वो भी बढ़िया चीज है, बस उस कॉपी पर लहसुन प्याज ना गिरे ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नहीं तो उसमें भूजा उजा खा के और बराबर कर देते हैं। चलिए, तो पॉइंट लिखिएगा नॉर्थ ईस्ट एशिया, और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहला ही धमाका आ रहा है जापान, नॉर्थ ईस्ट एशिया का पहला धमाका है जापान, चिंता मत करो, एक घंटा और पढ़ेंगे उसके बाद निकलेंगे, टाइम पता नहीं चलेगा, परेशान मत हो। जापान को पढ़ने के लिए सर, जापान मतलब मेरा कहते हैं ना कि जापान मेरा एक फेवरेट कंट्री है, दो चीजों के कारण, सर इतना छोटा कंट्री होके और नाक में दम कर देना और पूरे दुनिया के सामने पावरफुल आना, वो भी तब जब आपको पूरी तरीके से बर्बादी कर दिया गया हो, कुछ और सुना हो नहीं सुना हो, नागासाकी और हिरोशिमा तो सब सुना ही रहता है, तो जिसको पूरी तरीके, अच्छा ये हर जनरेशन का बच्चा सुना हुआ है, इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक। तो सर उसके बावजूद कोई कंट्री, जापान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस दिन छुट्टी होता है जापान में उस दिन 4-5-6 घंटे एक्स्ट्रा काम किए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती है तो इंडिया में क्या होता है, गांधी जयंती एक दिन है तो लोग छुट्टी मनाते हैं 2 दिन, शनिचर तो है इतवार बंद है, सोमवार को थोड़ी काम होता है, मंगल को काम होता है, तो सर गांधी जयंती, और जापान के अंदर जिस दिन कोई जयंती उस दिन एक्स्ट्रा काम किया जाता है। पुल हमारे यहाँ का गांधी सेतु 20-25 साल में बनता रह गया, नहीं तो कार्य प्रगति पर ही चलता रहता है, वहां एक पुल बना और हरामपुर वहां के लोग ने मिलकर 3-6 घंटे के अंदर वहीं बनाकर काम शुरुआत कर दिया, तो मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड का चेंज है। जापान के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे मार्क सिस्टम है ही नहीं, शुरुआत में 4 साल तक कोई स्कूलिंग नहीं होता, कुछ पढ़ाई नहीं, सिर्फ उसको बताया जाता है कि रिस्पेक्ट करना है लोगों को, सिर्फ ये कि कैसे रिस्पेक्ट करना है हर तबके के लोगों को, चाहे छोटा चाहे बड़ा या कुछ भी, ये सब कुछ आप यूपीएससी के इंटरव्यू में आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि चलिए आप आईएएस बन गए, आप एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज लगाइएगा, आप अपने जिले में क्या लगाइएगा, तो ये सब चीज आप वहां से बन सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए एथिक्स सब्जेक्ट आया।
नहीं तो एथिक्स से कोई जरूरत नहीं था, सब एथिक्स से बिना पढ़ के जाता था, कम से कम शर्म तो आएगा कि पढ़ के गए और उसके बाद करप्शन कर रहे हैं, तो शर्म तो आएगा एटलीस्ट, तो इसलिए एथिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और भी रीजन है बट एक रीजन है। चलिए, तो मैंने बोला जापान, ध्यान समझना, जापान के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं बट उसके अंदर चार आइलैंड बड़े काम के हैं। होकाइडो जो समोसे सेब का है, उसके बाद मिलेगा होन्सु, मिल रहा है, उसके बाद मिलेगा सिकोकु और उसके बाद मिलेगा क्यूसु। बहुत ही जरूरी है, बीपीएससी में ये क्वेश्चंस फेवरेट है, आप जाकर प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, हर बार पूछा है कि सर इन चारों में से कौन सा छोटा है, बड़ा है या फिर कौन से कंट्री का हिस्सा है, तो बीपीएससी को इसी में इंटरेस्ट है। हाँ, यूपीएससी भी चूंकि पूछता था पहले, तो उसी का क्वेश्चन उठा के आपको प्रूफ दिखा दूंगा। यूपी प्रूफ क्या दिखाना है, छोड़ो ना, जाकर देख लेना यूपीएससी के अंदर जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है उसको हूबहू बीपीएससी छाप देता है, मैक्सिमम टाइम, पूरा का पूरा नहीं, बहुत टाइम। तो ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है, होकाइडो, होन्सु, सिकोकु, क्यूसु। आप मुझे बताना जिस देश की राजधानी होगी, प्लीज समझना, वहां देश की राजधानी को चकाचक किया जाएगा और ज्यादातर एक्टिविटी जो मेन मेन होगा उसके देश की राजधानी में होगा। जैसे जापान की जो राजधानी है सबको पता है, टोकियो, तो टोकियो लेकिन मत टोकियो, तो जापान की राजधानी है टोकियो, वो है होन्सु पे, होन्सु जो आइलैंड है उसी पे टोकियो लोकेटेड है, मेरी बात समझ आ रही है। तो सारा का सारा सीप एक्टिविटी, सारा का सारा ट्रेडिंग सिस्टम, सारा का सारा सब कुछ वहीं पर होगा। अब इंडिया के अंदर चूंकि एक फाइनेंशियल कैपिटल हमारा हो जाता है बॉम्बे, अब देखा जाए तो अधिकतर लोग बार बार बोलते भी रहते हैं कि वो है, लेकिन दिल्ली को बनाने के पीछे बहुत सारे कारण है, हम उसमें भी जाएंगे नहीं, बहुत सारे कारण है कि भाई एक तो जहां पे है दिल्ली, जो उसका लोकेशन है जियो पॉलिटिकली, वो बहुत ऐसे जगह पे है जहां से हर किसी को ऑपरेट करना बड़ा आसान है। मुंबई एक तरफा चले जाएंगे तो वहां से आपको भागना बहुत टफ हो जाएगा, तो बहुत, हाँ बहुत सारा चीज है। तो इसलिए हम जो है होन्सु पे फोकस करेंगे और जितना भी काम होगा जापान में उस सारे का सारा, जब आपको कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आए तो होन्सु मार के आइएगा, 99% सही होगा, क्योंकि सारा एक्टिविटी मेजोरिटी जापान का वही होता है। तो पहला पॉइंट, चार आइलैंड, चारों आइलैंड में दो तरीके हो सकते हैं, एक पूछता है क्वेश्चन ऊपर से नीचे आते हुए, नॉर्थ से साउथ आते हुए सबसे पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, ऑर्डर में बताइए, और दूसरा टॉपिक साइज के हिसाब से बताने के कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला लिखिए अकॉर्डिंग टू, सॉरी, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो आप लिखे हैं प्लीज लिखिए इसको, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डैश, पहला होकाइडो, होन्सु, होकाइडो, होन्सु, सिकोकु, क्यूसु, होकाइडो, होन्सु, सिकोकु, क्यूसु। और प्लीज ध्यान से देखना, अलबनाना मत, हरबनाना मत, अलबनाना भी मत, साइज के हिसाब से देखना। तो सबसे बड़ा आपको होन्सु लग रहा है, दूसरा होकाइडो लग रहा होगा, होन्सु के बाद होकाइडो दूसरा नंबर पे दिख रहा है। अब आता है उसके बाद मामला कि क्यूसु पहले होगा कि सिकोकु, और जिसका ध्यान तेज होगा वो पकड़ लेगा, जिसका ध्यान कम होगा वो जकड़ जाएगा। तो सर सिंपल सा बात है, होन्सु पहले हो जाएगा, मैं साइज की बात अब कर रहा हूं, साइज होन्सु, उसके बाद बताना जरा होकाइडो, उसके बाद क्यूसु, और उसके बाद सबसे छोटा है सिकोकु। होकाइडो के बारे में कहा जाता है समोसा सेब का है भी समोसा सेब का है वो, तो साइज के टर्म्स में ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ आने पे क्या होगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपसे पूछे कि सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान कौन सा है तो पता होना चाहिए, फर्स्ट बिगेस्ट पता हो तो पता होना चाहिए, बात खत्म है। तो ये सीक्वेंस प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आज के लिए और बचा है एक डेढ़ घंटा, बढ़िया से निपटाएंगे, बोर मत होइएगा, कोशिश करेंगे कि एशिया को एक लेवल पर पहुंचा के जाएंगे, क्लियर है। कल छुट्टी है, आराम से इंजॉय कर लीजिएगा, समझ में आया, पूरा दिन भर नाचिएगा, कल बोलिएगा तो मीट उट सब किसी घर पहुंचा देंगे, आप आराम से खा पका के, मतलब जो भी है पारा उड़ा जो भी खाना होगा बता देना, ठीक है, खा लेना, समझ में आ रहा है, भैंसा उसा जो भी, कोशिश करना जो लोग नॉन वेज के हैं शौकीन कोशिश करिएगा थोड़ा सा कम खाएं,
मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं, बाकी लाइफ आपकी है, जो मन करे दबा के खाओ, तबीयत खराब नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सुबह शाम दोपहर रात मीट खा सकते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, इसमें मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सर पॉइंट ये है, वेजिटेरियन होना नहीं है, थोड़ा सा कम कर देना है नॉन वेज को, उससे आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब मैं आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सर जो आदमी जो मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो खाता है और जो मतलब घास फूस वाले जो हैं, तो लोग ज्यादा स्वस्थ और मतलब ज्यादा लंबा ऐसा टिकाऊ मतलब उनकी होती है। नॉनवेज वाले थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, और सर नॉनवेज खाने में राक्षसीपन तो थोड़ा आ ही जाता है, मुझे ऐसा फील होता है, ऑल्दो मैं भी खाता हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, साल में एक बार दो बार जब लगे तो, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, ये सब बात बात में बहुत काम का चीज हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अब पहला हेडिंग डालिएगा होकाइडो। सबसे फर्स्ट पहले लिख लिया होंगे, सीक्वेंस वाला लिख लिया ना, तो सीक्वेंस लिख लिया, उसके बाद अब अलग से कुछ कुछ जगह लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह है। तो पहला जगह लिखिएगा होकाइडो में। होकाइडो में एक स्पेस, एक जगह मिलेगा सपोरो। होकाइडो के अंदर एक जगह मिलेगा, तो होकाइडो लिख के ए लिखिएगा और उसके अंदर लिखिएगा सपोरो। हो गया, चलिए थोड़ा गैप छोड़िएगा, दूसरा लिखिएगा होकाइडो के बाद होन्सू। कुछ कुछ जगह बाद में भी आ सकता है, तो कंजूस लोग अपने हिसाब से रखिएगा आदत, ताकि बना दे अपडेट करने का। ये कुछ नहीं है जो कंजूस बोलता हूं, सिर्फ इसलिए है कि करंट अफेयर वाला काम आपका हो जाए, इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। होकाइडो सपोरो, गैप छोड़ के होन्सू। होन्सू में कुछ जगह है, जरा ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा एक जगह मिलेगा आपको योकोहामा, मिल रहा है तो लिखा जाए योकोहामा। अरे मिल जाएगा, क्योंकि उतना ही एरिया तो है, ये कहां जाएगा, सीधी सी बात है, छोटू सो एरिया है, उसी में ढूंढना है, इधर तो ढूंढना है नहीं। चलो योकोहामा। दूसरा एक और मिलेगा आपको, सेंडाई, ACNDAI, मिला, मिल गया होगा, पक्का डन। अच्छा एक जगह देखना, तो मे भी उसमें है कि नहीं है, मुझे भी श्योर नहीं है, बट होना तो चाहिए, अगर होगा तो ठीक है। उसमें फुकुशिमा, मिल रहा है आपको फुकुशिमा, न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए बड़ा पॉपुलर है ये, नहीं है, अलग से लिखिए फुकुशिमा, FUKUSHIMA, फुकुशिमा होन्सू के अंदर है फुकुशिमा, और ब्रैकेट में लिख लेना न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत हैं, तो बस इतना याद रखना कि फुकुशिमा जब आए तो न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बस दिमाग में उतना रखना, उससे ज्यादा मत जानना, ठीक है। दूसरा उसके बाद टोकियो, भैया ये तो लिखना है आपको, देश की राजधानी होन्सू में ही है, टोकियो इज इन होन्सू, टोक्यो इज इन होन्सू, देख लिए। आपको एक जगह दिख रहा होगा ओसाका, देखो इस पे भी लिखा हुआ है ओसाका, इस वाले पे दिख रहा है ओसाका। ओसाका जो है फेमस है शिप बिल्डिंग के लिए, सारा का सारा जहाज जो दुनिया का अलग अलग बड़े बड़े, जापान चूंकि पॉपुलर है और जापान को साइक्लोन से लेकर सब कुछ का सामना करना पड़ता है, तो शिप बिल्डिंग ओसाका लिखना, होन्सू के अंदर फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण के लिए। हो गया, तो क्या क्या जगह लिखवाया होन्सू में मेरे को रिपीट करो, हो गया पहला योकोहामा, दूसरा सेंडाई, तीसरा फुकुशिमा, उसके बाद टोक्यो ओसाका। अब एक जगह मिलेगा आपको, देखना तो मिलेगा कि नहीं, नहीं तो फिर लिख लेना माउंट फ्यूजी, कहीं फिजिकल में देखना तो माउंट फ्यूजी, FUJI, मे बी कहीं उसी का फिजिकल में मिल जाए आपको, लिख लिया जाए माउंट फ्यूजी। सब का सब ये हिरोशिमा में चल रहा है कि नागासाकी में चल रहा है कि सर होन्सू में चल रहा है, होन्सू में चल रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब जरा बताना तो जो हिरोशिमा दिख रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पॉपुलर है, वो कौन से, होकाइडो में, होन्सू में या शिकोकू में। सो बेसिकली अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, लिटरली थोड़ा सा अलर्ट होकर देखिएगा। अब यूपीएससी जब भी आपसे पूछेगा
तो थोड़ा ध्यान से पूछेगा वो। हाँ तो इसीलिए बोला हूँ थोड़ा ध्यान से देखना तो चीजें आसान हो जाएंगे। तो जो होंसु मैं अभी करवा रहा हूँ तो वहां पर लिख लेना हिरोशिमा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हिरोशिमा जो है वो कौन से जापान के आइलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक और जगह तो सुनोगे नागासाकी तो सुनेंगे, लेकिन अभी नागासाकी आप सिर्फ देख के मुझे बताइए कि होंसु में है कि नहीं है। तो होंसु में तो नहीं है, इसीलिए आपको हिरोशिमा और नागासाकी जब बोलते हैं तो अधिकतर लोग के दिमाग में लगता है कि जब हिरोशिमा वहीं होगा और बम गिराया तो नागासाकी पे भी गिराया गया होगा, ऐसा लगता है, बट बेसिकली बहुत डिफरेंट चीज है, इसीलिए क्वेश्चन में फंसा जाते हैं। तो छोटा छोटा आसान क्वेश्चन को दबा देना है। तो चलिए हम जो जगह बोले हैं हिरोशिमा बोल दिए, सब लिख लिए, फुकुशिमा भी लिख लिए। अब आपको थोड़ा गैप छोड़ के नेक्स्ट आइए शिकोकू पे, थोड़ा गैप छोड़ के शिकोकू में, कंजूस लोग रेडी रहिएगा। शिकोकू हो गया। अब शिकोकू के अंदर कुछ कुछ जगह आपको मिलेंगे जो आपके काम का है। शिकोकू के अंदर, अच्छा पहले बताओ नागासाकी किस में है, शिकोकू में है कि क्यूसू में है? पक्का भैया ध्यान से देख लो, शाम का असर तो नहीं हो रहा है, देख लेना देख लेना। ठीक है, आराम से रहना, आराम से आराम से। तो सर पहले शिकोकू में एक दो जगह लिख लो, उसके बाद फिर हम क्यूसू पे आएंगे। तो शिकोकू में जाहिर सी बात है कुछ नहीं, तो आपको एक जगह तो जरूर दिख रहा होगा, जरा देख के बताना शिकोकू आइलैंड के अलावा कोई जगह वहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको? कोई जगह नहीं है, समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ जगह बोल रहा हूं उसको प्लीज लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए क्योटो, KYOTO, क्वेटो प्रोटोकॉल। ये एनवायरमेंट में क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेटो प्रोटोकॉल इन शिकोकू, अभी के लिए लिख लेना क्वेटो प्रोटोकॉल इन शिकोकू। चलिए थोड़ा गैप छोड़िए, क्यूसू पे आइए, थोड़ा गैप छोड़िए क्यूसू पे आइए, और क्यूसू में लिख लीजिएगा नागासाकी, क्यूसू में लिख लीजिएगा नागासाकी। क्यूसू में नागासाकी हो गया, डन, क्यूसू में नागासाकी, वेरी गुड। सो बेसिकली हम लोग जो जापान के कुछ हिस्से थे उसको मैं एक बार रिपीट करता हूं, नॉर्थ से साउथ आने पे मेरे साथ रिपीट करना। पहला आइलैंड होकाइडो, सब बोलोगे नहीं तो पाप लगेगा। दूसरा होंसु, तीसरा शिकोकू, चौथा क्यूसू, डन। हिरोशिमा किस में है भाई, तो आप देख के बताना, होंसु में, एच फॉर हिरोशिमा एच फॉर होंसु, याद रखना। नागासाकी किस में है, क्वेटो में, हाँ तो क्यूसू, और क्वेटो कहाँ है, नहीं शिकोकू, तो क्वेटो कहाँ चलेगा, शिकोकू में। अलर्ट रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से बनाना, मजा आ जाएगा। तो सर छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। ओसाका कहाँ पे जाएगा, होंसु में जाएगा। शिप बिल्डिंग के लिए कहाँ जाएगा, कौन से आइलैंड में, होंसु में जाएगा। न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने एक फुकुशिमा बताया था, कहाँ जाएगा, होंसु में जाएगा। तो मैंने बोला था कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए तो कहाँ मारना है, होंसु में, क्योंकि मैक्सिमम 99% होंसु में होगा, मेरे बात समझ में आ रही है। उसके बाद टोक्यो कहाँ जाएगा, होंसु में जाएगा। नाउ नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया, थोड़ा सा गैप छोड़ के उसके बगल में जाना, गैप जरूर छोड़ना, कंजूस लोग रेडी रहिएगा, मैं रिमाइंडर देता रहूंगा, आप रेडी रहना बस। नॉर्थ कोरिया राजधानी प्योंगयांग, चिमचांग सिंगसांग, समझ में आ रहा है? तो राजधानी है प्योंगयांग, हो गया नॉर्थ कोरिया, बहुत काम का है ये। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो है वहां का जो राजा है ना बड़े मजेदार होते हैं, समझ में आ रहा है? नाम भी सुना ही होगा आपने तो किम जोंग मतलब बहुत बिंदास आदमी है, समझ में आ रहा है? वो जो ट्विटर पर सब में बार बार बोलते हैं, ट्विटर पे जब बहुत से नहीं आता है ना तो सब बोलते हैं कि कहां थे भाई, मतलब तुम नहीं रहते तो मजा नहीं आता है, क्योंकि वो हरामखोर आता है और एक ही बम पटकता है सीधा कि हम परमाणु बम बनाएंगे, वो अमेरिका को भी बोल देता है कि ज्यादा इधर उधर किया तुम्हारे पे मार देंगे। अमेरिका भी कहता है ये शंका हुआ आदमी है, बेसिकली वो तैयार कर चुका है अपना, और मतलब बेसिकली एक लेवल पर, क्योंकि मैं आईएमए पढ़ाया था कि तीन मेथड होते हैं, अगर एक मेथड बन गया तो दूसरे पे जाएगा और तीसरे पे भी जाएगा, वो लोग बना के रखा हुआ है, बस अपने हिसाब से थोड़ा चोरी छुपे जो है काम कर रहा है। खैर चलिए, तो नॉर्थ कोरिया प्योंग, हाँ हाँ अरे तभी तो बिना समर्थ थोड़ी होता है। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, गैप छोड़ के साउथ कोरिया सियोल, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, साउथ कोरिया सियोल,
हो गया। साउथ कोरिया सियोल, साउथ कोरिया में एक जगह मिलेगा आपको जो कि ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन काम का है। देखना तो सिक्वल मिल रहा है क्या जगह, सॉरी सियोल आपको राजधानी मिल रहा है, सियोल के बगल में एक जगह मिलेगा पुसान, PUSAN, जरा उसको लिखिए तो साउथ कोरिया में पुसान, पुसान पुसान। ज्यादा इसमें जो लिखना नहीं है लेकिन एक चीज बड़े काम का है और वो है हांगकांग। नाम तो सुना होगा, वहां पे देखो तो हांगकांग कहीं मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अगर वहां ना मिले तो थोड़ा चाइना के किनारे किनारे देखना, मिलेगा, मिल रहा है बहुत बहुत। हाँ ताइवान के वेस्ट में देखने की कोशिश करना तो मिल जाएगा, ताइवान के पश्चिम में मिल रहा है। जिस तरह से लटका हुआ है श्रीलंका भारत को पकड़ के, वैसे ही ये भी है हांगकांग, दिख रहा है हांगकांग में। हाँ हांगकांग हमेशा परेशान विवादित के लिए है, तो एक दो पॉइंट खड़े लिख लो हांगकांग में, उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहला लिखिए, देखो हांगकांग की एक खासियत है, खासियत है कि हांगकांग के अंदर बहुत सारे देश के नेशनैलिटीज यहां रहते हैं, ध्यान से समझना, इट्स लाइक इंडिया, लेकिन इंडिया से ज्यादा नेशनैलिटीज वहां पे, चाइनीज तो हैं लेकिन उससे ज्यादा और भी कंट्रीज के लोग रहते हैं हांगकांग में, और चाइना को ये पसंद नहीं है, और इसलिए चाइना बार बार दबाव बनता है, या तो नेशनैलिटी बदलो या फिर हरामखोर देश छोड़ो, और इस वजह से हांगकांग को जानबूझकर ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट हांगकांग मानने को तैयार होता नहीं है कि नो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, बट बेसिकली ऑफिशियली जो भी कहो वो तो मानता ही हम पार्ट ऑफ चाइना, बट कुछ पॉइंट है जो लिख लेना है। और मैं आपको बोल दे रहा हूँ ये 2024 चल रहा है, 2026 से 27 तक हांगकांग विल बी सेपरेटेड, ताइवान विल बी वेरी मच इंडिपेंडेंट एंड बहुत सुखी संपन्न। सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को और होने वाला है तो 2-3 सालों में है चाइना, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने अपना रवैया इतना खराब कर लिया है कि उसको तकलीफ होने का पूरा चांस है। और उसके लिए एक रीजन सबसे बड़ा है जो उसके लिए ही खुद बन जाएगा, वो है बगल में हमारे भूटान वाले हैं, थोड़ा सा ताइवान वाले हैं, मतलब ताइवान वाले, फिर आपको हांगकांग वाले, अपना दुश्मन बहुत ज्यादा पाल लिया है और इसके वजह से उसको दिक्कत होगा। बट हांगकांग के पॉइंट में एक लिखिएगा नोट करके हांगकांग और हाईलाइट करिएगा, नहीं नहीं चाइना में लिखिएगा, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आप लिखे हैं उसी के नीचे नोट लिखिए, नोट करके लिखिए, चाइना को अलग सेपरेटली कर लेना, नोट करिए और नोट में लिखिए हांगकांग, जो पॉइंट बोल रहा ना थोड़ा छापना तेज में, हांगकांग इज वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज इन द वर्ल्ड, हांगकांग इज वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ चाइना। चाइना का अधिकतर प्रशासनिक जो चीज है वो हांगकांग के आसपास रहता है, उस पर नजर रखने के लिए, एंड ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना ऑन द ईस्टर्न पर्ल रिवर, पर्ल PEARL, पर्ल जानते भी होंगे क्या होता है, मोती टाइप का, ऑन द पर्ल रिवर डेल्टा, डेल्टा सब लिखेगा, डेल्टा बताऊंगा मैं, ऑन द पर्ल रिवर डेल्टा इन साउथ चाइना सी। रोहित बाहर का लाइट जला दीजिए, इन साउथ चाइना सी, हो गया डन। आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, विथ 7.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, विथ 7.5 मिलियन ऑफ मिलियंस ऑफ रेसिडेंट्स, यहां पे जो लोग रहते हैं लगभग 7.5 मिलियन ऑफ रेसिडेंट्स आर ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज, आर ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है चाइना के लिए। तो मैंने बोला हांगकांग जो है बहुत डेवलप्ड है, सिटीज नो डाउट वन ऑफ द डेवलप्ड है, इसमें का मेन इसका प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि सर यहां पे लगभग 7.5 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे नेशनैलिटीज के हैं, और इसको कंट्रोल करना चाइना के लिए एक डिफिकल्ट टास्क रहा है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट लिखना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालना, हालांकि चाइना को अलग से पढ़ा रहा हूं लेकिन चाइना यहीं पे लिखिएगा, चाइना राजधानी बीजिंग, गैप छोड़ के नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया चाइना बीजिंग,
चाइना में एक दो जगह जो है वो काम का है, वो आपको जानना चाहिए। तो जैसे एक शब्द आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, वीगर मुस्लिम्स का जो आते रहता है कभी कभी, तो मैं जब आईआर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आ जाएगा, वो जगह एक दो देख लेंगे। जैसे जिनजियांग वगैरह जगह है, वही जगह है जहां प्रताड़ित करके कन्वर्ट कर दिया गया, अभी भी प्रताड़ित किया जाता है, शोषण अलग लेवल पे होता ही है। बट पॉइंट एक लिखिए चाइना में, पहला आप लिखिएगा, एक जगह लिखिएगा जो बहुत काम का है और वो है हामी, HAMI। चाइना के अंदर एक जगह मिलेगा हामी, मिला क्या? मिला होगा सर, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। अब जहां मैंने थोड़ा सा घुमा रहा हूं दिमाग, देखते हैं है कि नहीं है, जहां फिलीपींस पढ़ाया था, कंजूस लोग रेडी रहिएगा, फिलीपींस, राजधानी मनीला पढ़ाया था, उसमें एक लुजोन आइलैंड की बात भी मैंने करी थी, वहीं पे एक आइलैंड देखो तो है क्या, मिंडानाओ आइलैंड, मिंडानाओ आइलैंड है क्या, मिलना चाहिए, आसपास देखो थोड़ा सा, लिख लीजिए वहां पे, मिंडानाओ इज अ पार्ट ऑफ फिलीपींस। मिंडानाओ नहीं लिखवाऊंगा मैं, लिखवाया था मिंडानाओ, चलो तब तो ठीक है, तो छोड़ दीजिए मिंडानाओ, मुझे ध्यान में अचानक से नहीं लिखवाऊंगा, तो मिंडानाओ इज अ पार्ट ऑफ फिलीपींस। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अब जरा हम लोग थोड़ा सा चाइना के अंदर, एक हामी और दूसरा एक जगह जहां पे आपको मैंने हांगकांग पढ़ाया था, उसी हांगकांग के पास मिलेगा जिनजियांग, जिनजियांग अभी के लिए लिख लीजिए जिनजियांग। उसके बाद तीसरा एक जगह मिलेगा शंघाई, जो कि बहुत पॉपुलर है, शंघाई एक मूवी भी है आई थिंक, ठीक है, जिसमें हाँ गाना है जो भेजी थ्रू दुआ ऐसा कुछ करके पॉपुलर हो गया गाना, शंघाई मिला जगह, एकदम पोर्ट है वो, किनारे किनारे जाना, पोर्ट मतलब बंदरगाह है, सुअरगाह नहीं है, तो ध्यान से देख लेना एकदम से, पूरा किनारे पे मिलेगा शंघाई, काम काम का है, काम का है, ये काम का है शंघाई। नेक्स्ट एक और लास्ट जगह, उसके बाद चाइना हरामखोर का काम नहीं है हमको, और वो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, वुहान, WUHAN, ये आप कोरोना में सुन रहे होंगे वैसे, ठीक है, तो वुहान लिख लेना। और एक अंतिम है, इसको भी क्यों छोड़ूंगा, ये भी न्यूज में था तो लिख लेते हैं, चाइना में एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, मैं आपको कौन करना, बहुत भयंकर विद्रोह होगा विदिन 1 से 2 ईयर, जिसको दबाया जा रहा है, ज्यादा सप्रेस नहीं किया जाता है, ज्यादा दिन तक किसी को भी सप्रेस नहीं किया जा सकता है, किसी का भी हक आप बहुत ज्यादा दिन तक मार भी नहीं सकते हैं। वहां पे मीडिया का चूंकि बहुत अलग लेवल का है, मीडिया का तो इतना दबाव है मीडिया पे, चाइना का न्यूज आपको जल्दी कहां सुनने को मिलता है कि क्या हो गया नहीं हो गया, समझ, जल्दी मिलता ही नहीं है, इंडिया का खबर तो पूरा कौन कौन कोना में पहुंच जाए तो उसका आइडिया नहीं, लेकिन चाइना बहुत कंट्रोल रखता है मीडिया पे, मीडिया लोग को मतलब कचार के एकदम कंट्रोल रखता है। अलीबाबा का नाम सुना होगा, अलीबाबा फाउंडर जो है, और उनका नाम क्या है, अलीबाबा के फाउंडर का बताओ, हाँ, तो अलीबाबा के जो फाउंडर है ना, वो जैकमा साहब जो है, वो चूंकि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, वो तो वो पार्टी जो है इतना कमा लिया कि इलेक्शंस को लगभग कंट्रोल कर रहा था, और उसने एक डेटा सिर्फ बेचा अमेरिकन कंपनी से, पूरा का पूरा उठाकर उनको लाद दिया गया, नहीं कर सकते। तो कहने का लॉजिक है कि चाइना स्ट्रिक्टनेस रखता है, उसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन वहां सर उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो जो दबाया जा रहा है वो कुछ वैसा है कि मीडिया और सारा इकट्ठा संगठन होकर 2025-26 तक विद्रोह फूटेगा, और विद्रोह मतलब हमारे लिए किसी के लिए भी काम का होता नहीं है, लेकिन चाइना को बर्बाद करने के लिए काफी रहेगा वो। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो लिख लीजिएगा, उस पर हम लोग आज इतना ही रखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, तो सर चाइना के अंदर एक लास्ट जगह है जेंगजू, बस इसको रख लेना, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, हमको ये रखना नहीं है कि जब सब थोड़ा सा आए तो बस एक काम का हमारे लिए हो जाए, और कुछ नहीं। और एक जगह और नेक्स्ट, मतलब चाइना के उसी के बाद तिब्बत, ये भी बहुत गजब का डिस्प्यूटेड एरिया है, और इंडिया में, इंडिया जो है इसको अलग लेवल पे अपना फायदा भी उठाता है, नुकसान भी करता है। आईआर में आपको पढ़ाऊंगा एक कि चाणक्य का एक फिलोसफी है, कौन सा फिलोसफी है, फिलोसफी एक अलग से भी दिया हुआ है, थुसीडाइड का भी एक सिद्धांत है, तो थुसीडाइड, हाँ, जो फिलोसफर है, तो थुसीडाइड क्या बोलते हैं कि हाँ, कि सिंपल सा थुसीडाइड सिद्धांत है कि देखो भैया, अगर आपका पड़ोसी दुश्मन हो सकता है तो
तो पड़ोसी का पड़ोसी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो इंडिया का पड़ोसी अगर चाइना है और दुश्मन है, तो चाइना का पड़ोसी अगर कौन मान लो अभी के लिए तिब्बत, तो ये इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है। वही गेम चाइना भी हमारे साथ खेलता है। हमारा ध्यान से समझना कि चाइना का दुश्मनी इंडिया से है, तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है, इन सब का उसका दोस्त है। तो थुसीडाइड सिद्धांत बड़ा काम करता है वर्ल्ड वाइड, और ये ऑफिशियली कोई शब्द नहीं है, लेकिन सब गेम खेलते हैं इस पे। इसे कभी भी एक्सेप्ट, कभी आप लिख के मत आइएगा कि इंडिया फॉलोस थुसीडाइड सिद्धांत, और इंटरव्यू में मत बोलिएगा, गड़बड़ा जाएगा काम पूरा। जब आपसे सिर्फ ये पूछे कि हाँ, जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो यही बात पूछेगा कि इज इंडिया फॉलोइंग द थुसीडाइड प्रिंसिपल्स, देन उस समय आप रखिएगा कि सर ऑफिशियली वी कांट से, बट अनऑफिशियली यस। इसलिए क्योंकि सर मैंने बार बार बोला, जब आप आईएएस बन रहे हैं ना, और आपको अपना कुछ भी आपका राय है, तो अपना राय साइड रखिएगा अनलेस एंड अंटिल जब तक आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर लेते, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट करती है वही आप एक्सेप्ट करेंगे। अपने से कुछ नहीं कि झंडा लेकर नहीं सर तो करता है, ऐसा कैसे हो जाए, ये मत करिएगा। विरोध करना है तो राजनीति में जाइएगा। आईएएस जब बन रहे हैं तो जो गवर्नमेंट मानती है ऑफिशियली, सिर्फ उसी को मानिएगा, आपके राय से कुछ नहीं होने वाला है, ये दिमाग में रखिएगा। मेरे पास समझ आ रही? तो बस इंटरव्यू, चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब सीडीएस का इंटरव्यू दिया था उस समय भी अलग लेवल पे फंसाया गया था, और फंसाया जाता है और फंसाया जाना चाहिए भी, क्योंकि बेसिकली चाहते हैं कि तुम गवर्नमेंट के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करो, तुम उससे ऊपर नहीं जाओ, उससे ऊपर जाना है तो तुम राजनीति में जाओ। इसलिए बार बार समझिएगा, बहुत फाइन लाइन्स है, बहुत फाइन है। तो आपका अंदर से मन आ रहा होगा मार दे, बोल दे कि नहीं यही होता है, लेकिन कंट्रोल करिएगा। इसीलिए दिमाग में रखिएगा थुसीडाइड सिद्धांत अनऑफिशियली चलता है, ऑफिशियली वी कांट राइट इन मेंस एंड वी कांट एक्सेप्ट इन इंटरव्यू, बात खत्म। नेक्स्ट आते हैं आज के लिए अंतिम, फिर कल कवर करेंगे। तो चाइना में उसके बाद मैंने क्या बोला, तिब्बत, और तिब्बत जो आप जहां पे है वहां पे देखने मिलेगा ल्हासा, मिल रहा है अभी के लिए लिख लो इसको, इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे से मतलब वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। तिब्बत का लिखना ल्हासा। अब तिब्बत भी बहुत सारा कहानी है उसका, हमें अब उतना जानना नहीं है अभी। चलिए अब हम सीधा, हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और वो गाड़ी बढ़ते बढ़ते, मैं आपसे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा 20 सेकंड ले रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। एशिया स्टार्ट किए थे, साउथ ईस्ट एशिया को पूरा हमने पूरा खींचा, साउथ ईस्ट एशिया से अपन नॉर्थ ईस्ट एशिया को कवर अप किए, वहां से हम लोग ये पूरा चाइना वाला हिस्सा कवर कर लिया, और अब हम इसका शिफ्ट कर रहे हैं मंगोलिया से रशिया की तरफ। क्लियर मेरी बात? और तब फाइनली हम लोग इधर आ जाएंगे। तो सर लिखिएगा नेक्स्ट, मंगोलिया, मंगोलिया। और मैं आपसे एक शब्द पूछने वाला हूं, देख ले बताना, राजधानी क्या मंगोलिया का? उलान बटोर। देख के बताना, जिससे पूछूंगा वही, मंगोलिया लैंडलॉक है कि नहीं, ध्यान से देख के बताना, ये नहीं कि बोल देना यस सर, पहले मछली फिर चावल, मछली चावल, ध्यान से देखना, एक बार में बोलना तो आसान हो जाएगा। मंगोलिया लिखा, उलान बटोर लैंडलॉक कि नहीं? यस, तो मंगोलिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, पहला लिख लीजिए। एक तरफ से इसको रशिया दबाए हुआ है, दूसरी तरफ से चाइना दबाए हुआ है। तो सर इसमें बना जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि मंगोलिया कितने कंट्री को टच करता है, और मंगोलिया जो है ध्यान में रखना, एक यहाँ पे लाइन दिख रहा होगा आपको, फाइन लाइन यहाँ पे, और देख के आपको लग रहा होगा कि मंगोलिया टच कर रहा है, बट सर इसना इसके बीच में अप्रोक्स 100 से 200 किलोमीटर का गैप है, तो मैप पे तो दिखा नहीं सकेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं, प्लीज इसको लिख लो क्योंकि ये पूछता है। लिखिएगा, बाहर का लाइट जला दिए अभी, बाहर का? अच्छा ठीक है, लिखिए, लिखिएगा, मंगोलिया डज नॉट टचेज कजाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, मंगोलिया डज नॉट टचेज कजाकिस्तान, ये लिख लेना, एटलस से आपको यहां पे फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए मुझे लिखवाने पड़ रहा है आपको। मंगोलिया डज नॉट टचेज कजाकिस्तान, एंड ब्रैकेट में लिखना अप्रोक्स 100 किलोमीटर गैप, अप्रोक्स 100 किलोमीटर गैप, एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि 100 साल बाद भी आपका पोता आपका परपोता नोट्स पढ़े ना, तो उसको देख के क्लियर कट रहे कि हाँ कजाकिस्तान उस समय टच करता था कि नहीं, पूरा क्लियर कट रहे, ठीक है, अप्रोक्स 100 किलोमीटर गैप। मंगोलिया के अंदर एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बस उस मंगोलिया में ज्यादा काम नहीं करेंगे, और वो जगह है दरहान, DARHAN, दरहान, मिल गया होगा, दरहान, डन।
अब मंगोलिया का दरहान जो मिला आपको उसको लिखने के बाद एक और जगह है जो कि हाल फिलहाल में आ गया चर्चा में, और वो जगह अगर मिल जाए तो ठीक है, वहां मिलेगा दलंद जा, देखना ध्यान से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना थोड़ा अलग है, दलंद जा गार्ड, उसमें डी को साइलेंट अब लोग तो अलग से बोलते हैं, याद रह जाए कि मंगोलिया से रिलेटेड है बस। अब मैं आपको ये क्यों लिखवाता हूं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी आपको यूपीएससी में कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा जिस दिन हो जाए कि आपको जितना क्वेश्चन बनाया था उस सब का सब डायरेक्ट आता था, तो भाई ये प्रभु की कृपा है आप पे यूपीएससी में अगर आपको ऐसा आ जाए तो। यूपीएससी में बनाने का एक ही टेक्निक है कि चार ऑप्शन में से अगर आपको ये पता चल जाए कि तीन नहीं है देन हमारा काम हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो हमें तीन नहीं को छांटने के लिए थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर ये पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऐसे जकार्ता कुछ भी पूछा और आपको मुंह पे याद है तो भगवान का कृपा है। बट याद रखिएगा कि अगर ऐसा होने वाला होता तो इतने सालों में यूपीएससी में 99% जाता है, 40-42 पे तो रैंक वन और रैंक टू चला जाता है। तो लॉजिक क्या है, हम आपको जो बता रहे हैं वो बस इतना पता हो कि चार में से एक का पता नहीं हो आंसर, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि तीन नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग दो चीजों में फंसते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है आकर फिर फंसते हैं किसमें, दो में, और वो सबसे घटिया वाला बात होता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, उस समय दो चलता है मुंह काट के जिस पे ज्यादा कटाएगा वही मारेंगे, या जय माता दी, जय हनुमान जी, जय गायत्री माँ, जय बाबा माँ, जो भी है। तो लॉजिक क्या है, तीन हमें छांटना है, उसके लिए बस याद रहना चाहिए। तो सर अभी तक मंगोलिया की राजधानी क्या पड़ा है, उलान बटोर। अब एक स्टेप आज अंतिम, चूंकि केकेटीटी वाला कल करेंगे, उसमें एनर्जी चाहिए और उसमें मुझे आपको पूरा बताना भी है बढ़िया से, तो उसको आज नहीं करेंगे, उसको कल करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन उसके पहले कुछ बता दूं तब, ठीक है? तो पहला एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और वो लाइन कोई और नहीं है बल्कि वो है रसिया। लिख लीजिए थोड़ा रसिया के बारे में, रसिया राजधानी याद रखिएगा मॉस्को, मॉस्को। अब रसिया में आपको मैं बस बता दूं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि रसिया के अंदर अधिकतर जो उसका शहर है उसके अंत में एसके लगा होगा, मास्ट ऑफ द शहर में नोट डाउन करके, तो शहर वो नोट करके सिंपल लिख लीजिएगा, मैं शहर का नाम एक दो बस लिखवाऊंगा, बाकी आपको याद रख लेना है, लिखिएगा नोट करके, इन द मैक्सिमम सिटीज ऑफ रसिया, इन द मैक्सिमम सिटीज ऑफ रसिया एसके, उसको जो है एपोस्ट्रोफी में रख लेना, एसके वर्ड जन, एसके वर्ड जनरली एंड्स विथ, एसके वर्ड जनरली एंड्स विथ, अंत में एसके लगाया हुआ होगा, या को टास्क, कैन योर नास्क, टॉम्स्क, ये सब आपको मिलेगा रसिया में, ठीक है? बस इतना याद रखना, बाकी इसमें एक जगह और है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आज के लिए। लिखिएगा एक जगह रसिया में मिलेगा और वो जगह बस लिख लो, सकलीन आइलैंड, सकलीन आइलैंड, मिला 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 मिला, बताता हूं कहां मिलेगा, होकाइडो के ऊपर देखो मिलेगा, मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है सकलीन, और सकलीन के बगल में है कुरील आइलैंड, ये दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी मारपीट का जो है सिनेरियो बनने की तरह होता है, होता नहीं है लेकिन डिस्प्यूटेड ही भी है, डनेर के लिए हर जगह मारपीट होता है भाई, एक और खेत जोतने जाएगा तनिष्क डनेर अपने में खींच लेगा। सकलीन के बाद कुरील, KURIL, उसी के बगल में देखो ईस्ट में कुरील आइलैंड, नहीं मिला, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा, यहां है बस सिंपल से दिख रहा है, कुरील लिखा होगा और ब्रैकेट में रसिया लिखा होगा, ये भी एक आर्किपेलागो टाइप का ही है, कुरील आइलैंड, सकलीन आइलैंड हो गया। तीसरा कमांडर आइलैंड, कमांडर आइलैंड, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं, कमांडर आइलैंड, कमांडर के बगल में देखना एक आइलैंड मिलेगा जो कि यूएसए ब्रैकेट में लिखा होगा, एलुसियन दिख रहा है, और यूएसए जो है बहुत कोल्ड वार के समय, देखो इस मैप पे समझाना बहुत आसान है, मजा आएगा, नहीं तो बिना मैप के कुछ मजा ही नहीं है। इधर देखिए, यूएसए चाहता था कि भैया रसिया को बर्बाद, चूंकि देखो यूएसए ने धोखाबाजी की, और यूएसए ऐसा कोई, मैंने बोला था बोला ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएसए ठगा नहीं, ये ध्यान रखना, पहले बात यूएसए किसी का नहीं है भाई, किसी का भी नहीं है। तो यूएसए ने क्या किया, रसिया को बिना बताए भैया एटम बम तो बना लिया सो अलग, उसके बाद दूसरा कांड एक और किया, जब देखा कि रसिया नाराज हो गया और रसिया हमको कांड करेगा मेरे साथ, तो रसिया को घेरना शुरू किया, और अमेरिका क्या कह रहा है,
ये देखो ध्यान कह रहा है कि भैया हम जो है पूरे दुनिया को एटम बम बनाना सिखाएंगे और पूरे दुनिया में शांति लाएंगे। ये अमेरिका का स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा। वो लिटरली इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको पता था कि पूरा देश अपोज कर दिया अमेरिका को कि आप ये क्या कर दिए हिरोशिमा और नागासाकी के साथ। तो पूरा कंट्री सूचन करके रशिया के पाले में आ गया और अमेरिका को समझ में आ गया कि दांव गलत हो गया है, अब हम बर्बाद होंगे। तो क्या बोल रहा है, हम पूरा देश में सीक्रेट बताकर कि कैसे बनाया जाता है शांति लाएंगे। अरे कैसा शांति लगा पता नहीं, और इसी शांति का नाम है नाटो। और ये क्या बोला, देखो जो जो ये बनाया, नाटो बनाया, फिर बनाया सियाटो, फिर बनाया अंजुस, इस सब का शब्द देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है आपका, ये ओशन जो है इसमें ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ ओशन में बोला कि हम यहां पे जितने छोटे छोटे कंट्री है उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। दूसरा देखो सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया जो भी पढ़ाया सियाटो में बना लेंगे। तीसरा एंजूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये भी बचा के इसको भी ले लेंगे, न्यूजीलैंड को भी ले लेंगे और इधर यूएस जो है मिल जाएंगे। और उसके बाद कुछ एलोसियन आइलैंड वगैरह तो इधर आसपास से इधर, इसको भी हम जो है उसमें शामिल कर लेंगे। ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, ये कर कह रहा है क्योंकि रशिया 1991 में जब टूटा है तो हरामखोर ये उसके बाद एक नया पैदा हो गया चाइना, और चाइना आया तो चाइना सीधा एकदम अग्रेसिव वे में अमेरिका को बोला कि बर्बाद कर देंगे। और तब अमेरिका को ये डर हो गया कि रशिया पहले तो अकेले था, अब हरामखोर किसको लेके आ रहा है, चाइना को, और इसलिए सोचा कि हमको किसी भी तरीके से इन दोनों को घेरना पड़ेगा। और इसको घेरने के लिए नाटो बनाया, इधर से घेरने के लिए सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया से घेरने के लिए ताकि चाइना और ये ना करे। उसके बाद एंजूस बनाया, और ये पूरा कांड उसने किया कि रशिया और चाइना को वहीं पर रोक जाए, क्योंकि उसके बाद कम्युनिज्म बढ़ने लगा था और अमेरिका विरोध करता रहा कम्युनिस्ट का, कार्ल मार्क्स के थ्योरी का, लेकिन अमेरिका को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो कार्ल मार्क्स के चपेट में आ गया। तो लॉजिक क्या है कि पूरा का पूरा ये जो कांड है और ये जो बड़ा बड़ा बात बोलता है अमेरिका, वो सिंपल अपने फायदे के लिए बोलता है। और इस वजह से ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखेंगे हर जगह यूएसए ने उस पर कब्जा किया हुआ है। उसी तरीके से मैंने कल यूरोप में पढ़ाया था, एक कैलिनग्राड करके पढ़ाया था, और कैलिनग्राड जो है हालांकि रशिया का वहां पे अपना बेस है, तब रशिया ने उसके लिए नाटो के जवाब में बनाया था वार्सो कि तू बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। तो लॉजिक क्या है, ये सब जो है लड़ाई दूर से देखने में पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसे लगता रहता है कि हाँ ये इस तरीके से चल रहा है। तो नाटो तो कुछ नहीं है, और नाटो अभी हाइपर एक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि नाटो अब ऑफिशियली यूक्रेन को एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि लड़ाई अभी जो चल रहा है अभी के जो मतलब ना रशिया और यूक्रेन का, उसमें पहले नाटो तो था ही शामिल लेकिन अब ऑफिशियली वो लोग उसमें इन्वॉल्व कर दिया यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन जो है एक बहाना है, एक पीसने वाला चीज है, क्योंकि उसको बदला लेना है अमेरिका से, क्यों, क्योंकि रशिया हरामखोर ने अमेरिका का इतना डेटा लीक किया जो कि अरबों डॉलर का है, और उस वजह से अमेरिका परेशान है। और डेटा कैसे लीक हुआ है, उस पर्टिकुलर एजेंसी के बाथरूम का जो स्टाफ है उसका मोबाइल हैक कर फिर सिस्टम पे पहुंचा गया है, और इस वजह से अमेरिका किसी भी तरीके से चाहता है कि रशिया से बदला लिया जाए, कोई भी मौका ढूंढा जाए। और जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमेशा अमेरिका मौका ढूंढता रह गया है, आज तक कोई लड़ाई वैसे जीता नहीं है वो, लेकिन वो हर जगह पे अपना टांग अड़ा दिया है। तो लॉजिक क्या है, ये जो मैंने बस नॉर्मल बताया, अगर ये मैप के थ्रू समझेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। आईआर में अब जब आपको मैं पढ़ाऊंगा और जब आपको मैप चमकेगा तब मजा आएगा कि हाँ वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो हरामखोर हुआ क्यों, और इधर क्यों ऐसे सुपारी देकर मरवाया जा रहा था, और क्या हो रहा था, सारा डिटेल क्लियर होगा। बिना मैप का आप हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लोग सब पढ़ा देते हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, बट जब पूरा पॉइंट क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला था कि 3-4 महीना के बाद आप इस पूरे मैप पे इकोनॉमिक्स से लेकर सारा सब्जेक्ट डील कर लोगे ए टू जेड, अपने रूम में बड़ा सा मैप चिपकाना और मामला आसान कर लेना, क्लियर है। तो सर अब एक कंट्री सिर्फ लिखवा के छोड़ूंगा, उसके बाद पूरा टेक्निक सेंट्रल एशिया को कल से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हो। तो पहला है कजाकिस्तान, एक हेडिंग डालिए, कजाकिस्तान डालते हैं सिर्फ क्योंकि इसका एक डेटा बताना है मुझे, देख के बताना कि कजाकिस्तान लैंडलॉक है कि नहीं। यही तो यही मामला है, और हाँ यूपीएससी पूछता है यही, तो मैंने बार बार बोला था कि कोई भी कंट्री समुद्र में जाए, कुआं में जाए, चाहे बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं है। समुद्र से मैंने बोला सिंपल एक ओशन में नहीं जाना चाहिए, पांचों ओशन में नहीं जाना चाहिए। समुद्र में पानी जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और से जाए कोई दिक्कत नहीं है, ओशंस में नहीं जाना चाहिए। और सर कैस्पियन सी ही उसको ब्लॉक करके इस ढंग से रखा हुआ है जो कजाकिस्तान है उसको लैंडलॉक बना दिया है, और इस वजह से यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है समुद्र तो ये बगल में, लैंडलॉक नहीं होगा,
बट सर पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, कजाकिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री और इसका एक बहुत ही जबरदस्त डेटा है, दुनिया में जितना भी लैंडलॉक कंट्री है, जितना भी, समझ में आ रहा है, उन सब में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, उसका एरिया देखो। फिर से बोल दे रहा हूं लास्ट बार, दुनिया में जितने भी बड़े लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, उन सभी लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान। तो एक पॉइंट लिखिएगा, कजाकिस्तान राजधानी क्या है? कजाकिस्तान का अस्ताना है, लेकिन राजधानी का नूर ए सुल्तान। कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना लिखकर काटिएगा और लिखिएगा नूर ए सुल्तान। और दूसरा लिखिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री लिखिए। और जो आपको बगल में कैस्पियन सी दिख रहा है, वो बेसिकली कैस्पियन सी है भी नहीं, क्योंकि कैस्पियन नाम में सी है लेक। अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ध्यान से समझना, लेक जो है कैस्पियन सी एक लेक है, सी नहीं है, समझना ध्यान से, एक बार समझना पहले। तो सर लेक और सी में क्या डिफरेंस है? तो अभी बता देता हूं, लेक सिंपल वो है जहां पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहते। कैस्पियन सी जिस जगह पे है, देखो उसको कितना देश शेयर कर रहा है, तो वहां पे पानी के लिए मारपीट होता है कि मेरा यहां तक हिस्सा है, हम यहां तक कृषि कल्चर करेंगे, हम यहां तक हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाएंगे। तो जब किसी लेक में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं तो उसके नाम में सी जोड़ दिया जाता है, और उसको तब ध्यान रखना कि सी इज रिलेटेड विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जबकि लेक है वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, वो सभी के लिए इक्वली होता है। कुछ कुछ बात समझ में आ रहे? तो नाम में कैस्पियन सी है, जब मैं लिखवाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा, बट है क्या? लेक, ये दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद हम आज यहीं तक रखेंगे, मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, बट पॉइंट ये रखना क्योंकि यूपीएससी कजाकिस्तान में इसलिए आपको लिखवा दे कि कजाकिस्तान से यूपीएससी पूछता है जिस जगह पे वो है, और यूपीएससी कैसे पूछता है, वो मैप दे देगा, और बीपीएससी वाला भी हम मैप ठान लिया है, वही बोला चिपकाने वाला, तो मैप दे देता है, यहाँ पे कोई भी चीज ए बी सी डी कुछ लिख देगा, और नीचे ए के जगह पे कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सारा दे देगा, और बोलेगा कि हाँ कौन सा सीक्वेंस सही है कौन सा गलत है। अब कितना भी रूसेंट डूसेंट रट के जाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। जनरल कमीशन वाला कहता है पूरा देश में रट लेंगे, राज्य और उनकी राजधानियां, देश और देश की राजधानियां, आपको इसमें राजधानी रटना पड़ेगा नहीं, आपको अगर पता है तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि हाँ क्या बताया नॉर्वे, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर अच्छे ढंग से क्लियर पिक्चर है तो, और नहीं भी याद होगा तो कम से कम चार में से तीन तो जरूर छांट लोगों की ये नहीं होगा, मेरे पास समझ में आ रही है। और इसीलिए मैपिंग से मतलब मैपिंग के बिना मजा ही नहीं है किसी जीवन का पढ़ने का। तो मैं लास्ट बार एक बार थोड़ा सा कंसर्च कर देता हूँ, लास्ट बार कंक्लूड करता हूँ, फिर आगे इसका काम जो आगे बढ़ाऊंगा। पहला सबसे फर्स्ट, अपन आए थे आज टाइम पे आए हैं, टाइम पे शुरुआत की है, समझ में आ रहा है। दूसरा कुछ, सबसे पहला बात उसमें क्लियर ये था, एशिया को चार पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, साउथ ईस्ट एशिया से शुरुआत किया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वाला पार्ट हम लोगों ने किया, लाओस को हम लोगों ने घेरा, ऊपर चाइना, बगल में इसका राजधानी जितना भी है सब दिमाग रखना है, वियतनाम हनोई, फिर बगल में आते जाओ दिमाग एकदम इमेज हाथ चलते रहना चाहिए, कंबोडिया नोमपे याद रहेगा, कंबोडिया के नीचे थाईलैंड बैंकॉक म्यांमार नेपिदा डन, उसके नीचे मलेशिया सिंगापुर, इसके बाद फिलीपींस मनीला, इंडोनेशिया के अंदर सुमात्रा जावा बाली रोटी जो है आयरियन जया, ये सारा आइलैंड हम लोगों ने उधर देखा, ताइवान ताइपे ये पूरा पार्ट कवर किया, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया, कालीमंथन जो है मैंने आपको बताया कि पहले राजधानी इंडोनेशिया का था, उससे पहले आपका जकार्ता था, अभी जो है न्यू संतरा है। उसके अलावा फिर हम लोग आगे बढ़े तो मैंने एक कहानी एक बताया था, बंदर सेरी बेगावन राजधानी है कौन सा देश का? ब्रुनेई का, जो कि ईस्ट मलेशिया के अंदर है, और वेस्ट मलेशिया का राजधानी चाहे बोले मतलब कुआलालंपुर उसमें लोकेटेड है। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार के इसको बताया, थोड़ा ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े तो जापान पे आए, जापान का होकाइडो होन्सु शिकोकु क्यूशू पे आए, यस और नो? ये नॉर्थ से साउथ है, बड़े की बात करें तो होन्सु विल बी द बिगेस्ट, होकाइडो फिर क्यूशू और फिर आपका कौन सा आ जाएगा शिकोकु, क्लियर यहां तक? ओसाका से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब के सब आपके होन्सु के अंदर चले जाएंगे, मामला यहां तक क्लियर हो जाएगा, क्लियर है जी। उसके बाद फिर एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे तो मैप पे दिमाग में आ जाना चाहिए, मंगोलिया पढ़े, मंगोलिया में उससे पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया गए, प्योंगयांग सियोल, वहां से हांगकांग पे आए, उसका बिगेस्ट सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिटीज वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और ये डिस्प्यूटेड एक एरिया है। उसके बाद मंगोलिया चाइना की बात करी, मंगोलिया के अंदर आपको उलान बटोर उसकी राजधानी याद रखनी है, लैंडलॉक कंट्री है, उसके बाद चाइना और रशिया उसको जो है पूरी तरीके से एडजस्ट करके दबा हुआ है। उसके बाद कजाकिस्तान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है आप बोल सकते हैं लैंडलॉक कंट्री है, जितना भी है उसका सबसे बड़ा एरिया यहां तक
है। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक मजा आया? तो सर यहां तक रखते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग कजाकिस्तान केकेटीटी वाला जो बोला हो केक काटेंगे 20 केक और ये वो टेक्निक के साथ एनर्जी लगेगा फिर वेस्ट एशिया में जाएंगे। क्लियर है? तब ज्यादा बेनिफिट होगा। आपसे निवेदन है जो मैंने ऐप दिया था उसको फिर से कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। जब तक ऐसे दिमाग में ठान लो कि जब तक 25 में 25 नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं हो कल हो, कल नहीं हो परसों, जैसे भी होगा। क्लियर है? तो थोड़ा एक दिन का गैप है, एक दिन के गैप में आप आराम से बढ़िया से अपना कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी? और एक और बात, जो जो बोलता हूं वो मान लेना। अगर वो बात नहीं मानोगे और बाद में बोलोगे कि सर पता नहीं यहां से क्या होगा नहीं होगा, तो मैं पहले बता दूं ये आपकी बिल्कुल पूरी गलती है। इस दुनिया में एक बात हमेशा ठान लेना, जो भी लाइफ आप जीरो और जो भी लाइफ जैसा जियोगे उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार आपको, ये हमेशा मान लेना। कभी भी ऐसे ऐसे उंगली मत करना, बोले उंगली नहीं बोलते हैं कुछ लोग, एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ करते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ हो जाता है। तो पॉइंट ये है ना कि कभी भी दूसरे को जिम्मेदार मानना ही मत, अपनी सिचुएशन को भी नहीं। और एक और बात, अगर आपको मौका मिला है, आप गरीब घर के हैं और गरीब स्थिति में है और आपको मौका मिला आईएएस बनने का, तो बहुत बेहतरीन मौका मिला है, क्योंकि गांधी जी उस समय ही बन सकते थे जिस समय आजादी का लड़ाई चल रहा था, क्योंकि उनको मौका मिला। तो आपको मौका मिल रहा है तो आप बन पाएंगे। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप लकी नहीं है, क्योंकि आपके पास मौका नहीं है कुछ इतिहास बनाने का। आप अच्छा लाइफ जी पाएंगे बेसिकली, बट कुछ इतिहास क्रिएट करने के लिए आप उस मजबूरी में अगर पैदा लिए हैं, उस मजबूरी में अगर जन्मे हैं, तो सर बहुत बड़ी चीज है। और पहली बार आप उस गांव से उस एरिया से बनने वाले हैं, तो उससे बढ़िया मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको स्ट्रांग बनाइएगा। तो सर मिलते हैं फिर और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जो मैं बोलूंगा उतना करके रखिएगा। ठीक है जी? चलिए।